आज के इस चार पूर्ति में वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये आज की विचार गोष्ठी कई अर्थों में बहुत भिन्न है। भिन्न इस अर्थ में है कि इसमें दो पक्ष आज एक दूसरे के साथ मिलने का प्रयास करेंगे, दो दृष्टियां आपस में मिलने का प्रयास करेंगी, और उस दृष्टि से एक बन पाए जिससे कि हम नए समाज का निर्माण कर सकें, नए भारत का निर्माण कर सकें और मनुष्यता की नई नींवों को हम स्थापित कर सकें। ये उस दृष्टि से आज की गोष्ठी महत्वपूर्ण भी है और अन्य गोष्ठियों से ये भिन्न भी होगी। सामान्य रूप से हम जब गोष्ठी की बात करते हैं तो वो एक पक्षीय होती है, लेकिन आज जो संगोष्ठी में आप लोग बातचीत सुनेंगे और जिसमें आप लोग अपनी प्रतिभागिता भी करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमें कई पक्ष एक ही व्यक्तित्व के देखने को मिलेंगे, और केवल व्यक्तित्व को नहीं, उनकी दृष्टि क्या है, उनका दर्शन क्या है, उसके कितने विभिन्न आयाम हैं, उनसे भी हम परिचित होंगे। होता क्या है कि सामान्य रूप से हमारी एक ओपिनियन होती है, एक अवधारणा बन जाती है व्यक्तित्वों के बारे में, व्यक्तियों के कर्मों के बारे में, उनके दर्शनों के बारे में, लेकिन वस्तु रूप में हमने उनको ना तो ठीक से जाना होता है ना समझा होता है। इसलिए ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, उनको जानना, उनको समझना, उनको पुनः अवलोकित करना, ये हम सबका दायित्व बनता है। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जी, जो सेंटर फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इससे पूर्व कि मैं संजीव घारू जी को, जो कि डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, उनको आमंत्रित करूं कि वो स्वागत करें आज के मुख्य वक्ता का और हमारे श्रोताओं का, उससे पूर्व दो एक बातें और मैं ऐडअप करके उसके बाद उनको आमंत्रित कर रहा हूं। आप अपनी स्लाइड के ऊपर, जो स्लाइड के ऊपर दो पक्ष देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न इनको मिला है, और जो उचित रूप से उनको सम्मान में, जो हमने भारत ने उनके प्रति जो आभार व्यक्त किया है, उनको देखने की दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि जो आप इधर देख पा रहे हैं, उद्योग व्यापार आश्रित भाषा दर्शन और संस्कृति की दृष्टि है, जिसमें सामान्य रूप से अंग्रेजी की वो सारी शब्दावली आ जाती है जिसको हम आज कहते हैं गुड और स्मार्ट लोगों की भाषा, बिजनेस की भाषा है और एक्सपेरिमेंट की भाषा है। और यूं भी कहना चाहें, अगर आप यूं भी समझ सकते हैं कि सारे संसार की भाषाएं दो भागों में विभाजित हैं, एक जो इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट बेस्ड भाषा और संस्कृति कल्चर है, और दूसरी एग्रेरियन बेस्ड भाषा लैंग्वेज और कल्चर है। ये जो नीचे की ओर देख रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कृषि आधारित भाषा दर्शन और संस्कृति। ये दो पक्षों से आप हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानने का प्रयास करेंगे, और उनके व्यक्तित्व की विशालता व्यापकता, जो सामान्य रूप से न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ठीक से समझ में आती है, न ही उनके नाम पर चलाने वाली जो एनजीओज होती हैं उनको पकड़ में आती हैं। ये सामूहिक प्रयास होता है कि इतने विशाल व्यक्तित्वों को मिलकर के प्रयास करें कि उनको सभी दृष्टियों से ग्रहण कर सके। तो इन दो दृष्टियों को आप ध्यान में रखें, और इन दो दृष्टियों से हम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को और उनके दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राघव संजीव घारू जी, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, कि वो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन के जो मुख्य वक्ता हैं उनसे हमारा परिचय करवाएं, और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, प्रतिभागी जुड़े हैं, उनका भी वो स्वागत करें। संजीव जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।
आवाज आ रही है सर? क्लियर? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी। धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में इसका विषय है राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और इस विषय पर आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर परवेश चौधरी जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। आवाज नहीं आ रही इसमें। हेलो, हाँ जी डॉक्टर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। डॉक्टर चौधरी के बारे में छोटे से मैं परिचय आपको यहाँ पर करना चाहूंगा। डॉक्टर चौधरी, जहाँ एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अनेकों इनके जो आलेख हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं समय समय पर पत्रिकाओं, और आप विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं राष्ट्रीय चैनल पर, जो नेशनल चैनल हमारे टीवी चैनल, उसमें जितनी भी बहस होती है या डिबेट होती है, विशेष तौर पर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उस पक्ष को सामने रखते हैं जो शायद आज तक नहीं था। क्योंकि ने कहा कि ना तो पॉलिटिक्स ही बाबा साहब को पाई और ना ही एनजीओ उनको ठीक से प्रेजेंट कर पाई है, क्योंकि बाबा साहब के बारे में अगर लोगों को जानकारी है तो सिर्फ इतनी जानकारी रहती है, या एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिर्फ इतना भर बताते हैं कि बाबा साहब ने या तो संविधान लिखा था या बाबा साहब की जो जो जन्म हुआ था वो सारी परिनिर्वाण हुआ था वो तो हुआ था, और इसके अलावा वो अंत में हिंदू धर्म से वो बौद्ध हो गए थे। इसमें ही बाबा साहब को समेट कर रखा हुआ है, और कुछ अभी वर्तमान में हालात परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, कुछ सामाजिक संगठनों ने इस तरह से बाबा साहब को अपने सीमित करने का प्रयास किया है, बांधने का प्रयास किया है। अगर मैं उन शब्दों को बहुत कड़वे शब्द तो बांधने का प्रयास किया जा रहा है, जो बाबा साहब के व्यक्तित्व के साथ ना इंसाफी और न्याय जैसा लगता है। आज हम डॉक्टर परवेश चौधरी जी का जो उनकी एक्सपर्टीज है, जो उनका विशेष रूप से बाबा साहब पर जो स्टडी उन्होंने की है, जो अभी तक उन्होंने उनका जो कार्य चित्र रहा है उसमें जो महारत उनको हासिल है उसका लाभ उठाएंगे इस वेबिनार के माध्यम से। हम मार्गदर्शन हमें उनका मिलेगा, और जिस प्रकार के महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के साथ साथ बाबा साहब के ये कार्य नीचे जमीनी स्तर पर कर रही है, तो हमारे जो जितने भी सहयोगी हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बाबा साहब को और अच्छे से जानने समझने का आज डॉक्टर परवेश उनके बोधन से माता साहब जी से डॉक्टर अब भी बोल चुके हैं, वो बहुत अच्छे लेखक थे, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, और इस राष्ट्र का निर्माण, भारत का निर्माण जो हुआ, प्रवेश चौधरी जी से हमें जानने को मिलेंगे। तो मैं ज्यादा औपचारिकता में ना जा डॉक्टर प्रवेश चौधरी निरंतर इनके कार्यक्रम रह रहे हैं, और अपने समय में से इन्होंने जो क्षण हमें दिए हैं उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इनका, और तमाम प्रतिभागी जो यहाँ पर आज इस वेबिनार में इस विषय में हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आशुतोष जी, धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद। संजीव जी ने मुख्य वक्ता का परिचय भी दे दिया है, लेकिन फिर भी उनकी कुछ उपलब्धियां अभी नहीं उन्होंने गिनाई। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी जी को दो सम्मान अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, और एक उनमें फोन लेके मत जाना, फोन नहीं डॉक्टर अंबेडकर रत्न लगता। अवार्ड 2016 में दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से उनको उनके सम्मान में दिया गया, प्रस्तुत किया गया,
दूसरा उनका युवा लेखक अवार्ड 2012 में मेरठ प्रेस क्लब की ओर से दिया गया। उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो बड़े रुचिकर हैं, जिससे कि हमें दृष्टि की, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि की व्यापकता और उनके व्यक्तित्व के व्यापकता का अनुमान पता लगेगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट उनके स्पेशलाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब अल्टरनेट स्टडीज अंबेडकर थॉट्स, इनके ऊपर उनकी महारत हासिल है। इसके अतिरिक्त उनके अपने जो पढ़ने का जो दायरा है वो, मैं उनका जब बायोडाटा देख रहा था वो बड़ा ही व्यापक है। तो ऐसे व्यक्ति से जब हम बात सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि और हमारे ज्ञान का विस्तार होगा। मैं डॉक्टर प्रवेश जी की अनुमति से अगले 5 मिनट अपनी बात उनके साथ साझा करना चाहूँगा, 5 से 7 मिनट बहुत ब्रीफली और के साथ। डॉक्टर साहब, मैं संस्कृत से हूँ, लेकिन संस्कृत की दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग कैसे देखते हैं, या देखा जाना चाहिए था जो कि नहीं देखा गया, मैं आपके साथ बहुत संक्षेप में शेयर करूँगा। संस्कृत के दो पक्ष हैं, अगर आप नीचे देखें, मैं बहुत ब्रीफली और बड़ी क्विकली जो है उसको करके, क्योंकि स्किप करूँगा बीच में से, क्योंकि डॉक्टर साहब की बात सुनना चाहता हूँ। संस्कृत के विषय में 3-4 शब्दावलियाँ प्रयोग होती हैं, धर्म, यज्ञ और ब्रह्म, जिसे ज्ञान आप कहते हैं। जब आप इनको ट्रांसलेट करने लगते हैं, दिक्कत क्या हुई है कि संस्कृत को समझ लिया गया है कि ये एक रिलीजन की भाषा है, लेकिन जब मेरे जैसा व्यक्ति इसको देखता है तो मुझे उसमें कहीं को रिलीजन दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप उसमें विश्वास करते हैं। रिलीजन के लिए संस्कृत क्या है? विश्वास करना। और मुझे भी लगता है कि मुझे संस्कृत ने कभी कहा है कि पहले मेरे में विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा, तब उपलब्धि होगी। सारी संस्कृत की मैं परंपरा देखता हूं तो उसमें प्रश्न प्रश्न और प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है, संवाद है। तो इसलिए मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, इस पृष्ठभूमि में ज्यादा नहीं जा रहा है। यज्ञ का मेरा वहां पे अर्थ हमेशा पार्टिसिपेशन रहा है, और पार्टिसिपेशन भी इस अर्थ में रहा है कि यू हैव अ ड्यूटी टू अर्न एंड यू हैव अ राइट टू अर्न एंड ड्यूटी टू डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आप यज्ञ उसके बिना कर ही नहीं सकते। जब तक आप कमा के नहीं लाएंगे और उसका वितरण नहीं करते तो यज्ञ नहीं हो सकता। मुझे इसके रिलीजन पक्ष से ना को लेना देना है, ना मैं उसके कभी उस पक्ष में कभी गया हूँ। दूसरी तरफ जब आप धर्म जिज्ञासा की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्शन जारी है। धर्म का मतलब है कि आप करते क्या, क्या वो जस्टिफाइड है, उपयुक्त है, कितने सारे उसके साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। तीसरा जो पक्ष आप एक्सिस की ओर देख रहे हैं, ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है नॉलेज इंक्वायरी, कि आप अगर ज्ञान में आपकी रुचि नहीं है, अगर आपकी क्वेरीज नहीं है, तो इसीलिए ये 3 पक्षों के बीच में जो आपके पास शब्द आता है, आप देखें वेद, उसका मतलब होता है टू नो। आप क्या मानते हैं इससे संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है, आप जानते क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो मैं इतनी सी बात से आगे चल रहा हूं आप लोगों के साथ। डॉक्टर अंबेडकर से जो प्रभावित होने वाली बात है वो आप देखिए कि संस्कृत के एक श्लोक और जो वो कह रहे हैं। संस्कृत का मैं अर्थ कर देता हूँ, श्लोक नहीं पढ़ता समय को बचाते हुए। यदस्ति नास्ति इति यः संशयः, इसका मतलब है कि क्या है और क्या नहीं है। इस तरह के जब संदेह होने लगते हैं उसमें परस्य वाक्य, दूसरों के वाक्य प्रमाणित नहीं होते, वो मेरे लिए निश्चय नहीं करेंगे। क्या होगा? अवेद्य तत्व, मैं अपनी तपस्या से स्वयं गृहित करूंगा जो कुछ निश्चित अर्थ है। और दूसरी बात क्या है? स्वागमम राग मात्रेण, कि अपना मेरा अपना पक्ष जो है उसके प्रति तो मेरा प्रेम रहेगा और दूसरों के प्रति द्वेष रहेगा, ऐसा व्यक्तित्व मैं नहीं स्वीकार करता। तो इस दो दृष्टियों से जब आप ये देखने लगते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर आपको सामने दिखाई देते हैं कि अवर इज ए बैटल नॉट फॉर वेल्थ नॉट फॉर पावर, अवर इज ए बैटल फॉर फ्रीडम फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। आज इसी की तो हम बात करना चाहते हैं कि मानव मंगल क्या हो। हम उनको छोटे छोटे घरों में नहीं बांध सकते। मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये बड़ी ज्यादती की है पिछले 70 सालों में 72 सालों में, कि इतने व्यापक और समृद्ध व्यक्तित्व को हमने छोटे हिस्सों में बांधने की कोशिश की, ये अनाचार है। मैं छोड़ रहा हूँ। सामान्य रूप से हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर की बात करते ही ये 5-7-10 शब्दावलियों में हम करते हैं, उससे आगे हम चलते नहीं हैं,
और उनसे मैं परिचय आपका कराऊंगा, जिसमें जाति, बंधुता, स्वतंत्रता, आधुनिक भारत, शिक्षा, ये सामान्य शब्दावलियां हैं जिससे हम डॉक्टर अंबेडकर को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संस्कृत की दृष्टि से मैं आगे चल रहा हूँ, बाकी सब चीजें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा है मैं 5-7 मिनट रुकूंगा। डॉक्टर अंबेडकर दो प्रयास कर रहे थे संस्कृत की दृष्टि से, एक योग का और एक क्षेम का। योग का मतलब होता है जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, कि हर मनुष्य को 130 करोड़ भारतीयों को सम्मान मिले, और क्षेम क्या है, जो मिला है उसकी रक्षा। इन दो बीच में अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के सारे विचार को देखें तो आपको लगेगा कि उनका व्यक्तित्व बहुत व्यापक और बहुत उत्तम है। मैं बाकी सब चीजें भी छोड़ते हुए सीधे सीधे अंतिम बात की ओर आ रहा हूं। यहां पर मैं आता हूं, मैंने बाकी सब छोड़ दिया है क्योंकि मैं क्योंकि सुनना सब कोई चाहता हूं, लेकिन एक पक्ष केवल उनके आगे रखना चाहता हूं, एक उनके टिप्पणी के लिए भी और आलोचना के लिए भी, और जितने प्रतिभागी हैं उनके लिए भी, कि भी वो इस तरह के जो विचार मैं रख रहा हूँ उससे वो अपनी सहमति या असहमति जैसे उनको ठीक लगे, वो उनकी स्वतंत्रता। द एम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये उनकी शब्द मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और फिर आप देखिए कि उसमें किस तरह से उनके विचार को हम लेते हैं। द एम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मस्ट बी टू एनेबल एवरी पर्सन टू लीड ए लाइफ ऑफ कल्चर विच मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ माइंड as distinguished from the satisfaction of mere physical wants, while the ultimate goal of a brute's life is reached once his physical appetites are satisfied. The ultimate goal of man's existence is not reached unless and until he has fully cultivated his mind. This is his vision. ये चीज है जो हमें उभार करके सामने लानी चाहिए। हम बार बार उनको जाति में बांध के रख देंगे, उनको ब्राह्मण के साथ बांध के रख देंगे, उनको चीजों के साथ बांध देंगे। ये पक्ष है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, और जब मैं इस पक्ष को संस्कृत की दृष्टि से देखने लगता हूँ तो मुझे 9 पॉइंट्स में दिखाई देता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को इन 9 पैरामीटर्स पे हमें मूल्यांकित करना चाहिए। वो 9 पॉइंट्स क्या है? उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग का पर्सपेक्टिव है, उनका हेल्थ का पर्सपेक्टिव है, उनका यूज ऑफ टाइम का है, कम्युनिटी वाइटलिटी जिसे हम सामाजिक गतिशीलता और अग्रसरता कहते हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर कभी ये विचार भी करेंगे कि इस समाज को हम विभाजित कर सकते हैं? जिस समाज के लिए वो लड़ रहे हैं, 130 करोड़ लोगों के लिए लड़ रहे हैं, कि सभी के लिए, ये जो उनकी कोटेशन है इसमें आप कहीं बता सकते हैं कि उन्होंने एक पक्ष के लिए लिखा और दूसरे के लिए नहीं लिखा? छठा जो है वो कल्चर के ऊपर, सातवां एनवायरनमेंट, गवर्नेंस आठवां, और नाइन्थ जो पॉइंट है मुझे जो लगता है संस्कृत की दृष्टि से, कि मुझे अगर संस्कृत की दृष्टि से कभी डॉक्टर अंबेडकर को मूल्यांकित करना होगा तो इन 9 पॉइंट्स के आधार पे करूंगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है। और ब्रीफली मैं इन पॉइंट्स को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको एक बार दिखा दूं। डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड, ये जैसा कि मैं पहले ही पढ़ाया हूँ, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस और फ्रीडम ऑफ माइंड, ये सारी कोटेशंस हैं। सारे जैसे जैसे पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर को, आपको दिखाई देगा कि पहला जो पॉइंट है वो समाज से क्या अपेक्षा करते हैं और व्यक्ति से, आप मन स्वस्थ हो। जिस व्यक्ति का मन ही स्वस्थ नहीं है वो हिंसा में चला जाएगा, वो निम्न कोटि के व्यवहार में चला जाएगा, इसलिए मन स्वस्थता सबसे महत्वपूर्ण है। हेल्थ, आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, व्हाई डज अ ह्यूमन बॉडी बिकम डिजीज्ड? द रीजन इज दैट एज लॉन्ग एज ह्यूमन बॉडी इज नॉट फ्री फ्रॉम सफरिंग, माइंड कैन नॉट बी हैप्पी। सो तीसरा, मतलब मैं देखता हूँ कि एक तरफ मैं संस्कृत की परंपरा को देखता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को देखता हूँ, मुझे इतनी समानताएं दिखाई देती हैं, इतनी समानताएं दिखाई देती हैं, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर संस्कृत को समझने वाला, जानने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन समय ने और लोगों के अपने अपने दृष्टिकोणों ने उनको कितना सीमित कर दिया है, और आज हमारा यही प्रयास है कि उस सीमाओं से उनको अति सीमा की ओर लेके चलें। यूज ऑफ टाइम के बारे में क्या कहते हैं, ग्लोरी टू दोज हु डिवोट देयर टाइम, टैलेंट एंड देयर ऑल टू द एमिलोरेशन ऑफ स्लेवरी, ग्लोरी टू दोज हु वुड लीव देयर स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ एनस्लेव्ड इन द स्पाइट ऑफ हैवी ऑर्डर्स। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक एक पल आदमी कहाँ पे लगाए, फिर
फिर कम्युनिटी वाइटलिटी की भी बात देखिए, सामाजिक गतिशीलता, हमने तो उनको इस तरह से प्रस्तुत करें कि जैसे वो तो सामाजिक विरोधों में चले गए, कैसे हम उनको नीचे लाने का, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास कर सकते हैं। सो लॉन्ग एज यू डू नॉट अचीव सोशल लिबर्टी, वट एवर फ्रीडम इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ इज ऑफ नो अवेल टू यू। इसलिए सामाजिक गतिशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। एजुकेशन के ऊपर आप जानते हैं, टू सक्सेसफुल इन लाइफ व्हाट यू नीड इज एजुकेशन, बार बार वो जोर दे रहे हैं। कल्चर के ऊपर भी वो जोर उतना ही दे रहे हैं। कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ माइंड एंड द स्पिरिट, इट इज नेवर नैरोइंग ऑफ द माइंड। और हम व्यवहार में क्या देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, या और जो छोटे सोच के जो लोग होते हैं, कैसे वो इनको पकड़ करके नीचे लाने के इतने बड़े को खींचने की कोशिश करते हैं। सातवां, आप देखें इन्वायरमेंट के बारे में उनकी चेतना कितनी है। और मैं मुझे लगता है कि 9 पॉइंट से बाहर आप कैसे उनको परिभाषित कर सकते हैं। विदाउट पीस ऑल अदर ड्रीम्स वैनिश एंड आर रिड्यूस्ड टू एशेस। इतनी बड़ी बात है कि अगर वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, और क्या वो सामाजिक मूल्यों की हम बात कर पाएंगे। और आठवां, जो गवर्नेंस है, तो बहुत जोर उन्होंने दिया है कि कानून और व्यवस्था शारीरिक राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर देनी चाहिए, गुड गवर्नेंस की दवाई दी जानी अपेक्षित है। और लास्ट में जो अंतिम बात मैं कहकर के समाप्त करूंगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में वो क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ए कम्युनिटी लिव्स और डाइज। कितनी बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। द क्वेश्चन इज ऑन व्हाट प्लेन डज इट लिव, समाज किस स्तर पे जीता है। देर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सर्वाइवल बट ऑल आर नॉट इक्वली ऑनरेबल। इसलिए हमें चुनना होगा, हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर, ये जो शब्दावलियां इस्तेमाल की गई हैं, ये चाहे शब्द अंग्रेजी के हैं लेकिन वो अपनी परंपरा से ही लिए हैं। चाहे मुझे तो कई बार यही लगता है कि बुद्धिज्म से, जैसे हम सामान्य रूप से बुद्धिज्म को एक धर्म के रूप में समझ लेते हैं, लेकिन एक बुद्धिस्ट संस्कृति है जो कि इसी देश की है। जैसे बाकी संस्कृतियां इस देश की हैं, वैसे ही वो संस्कृति इस देश की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करने से पूर्व मैं अपनी दृष्टि से डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे समाप्त करने की प्रयास करूंगा, जिसके ऊपर मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि डॉक्टर साहब एक टिप्पणी करके और अपनी बात हमारे को रखें और हमारी दृष्टि का विस्तार करें। मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में ये कहना संभव है, पहला कि उनकी दृष्टिभंगी, परसेप्शन, दृष्टि जो विजन है, कामना प्रधान और सुखवादी होने के साथ साथ कर्मवादी, कि हर आदमी को सुख भी मिले, हर आदमी के पास इच्छाएं पूर्ति के साधन हो और कर्म करे, ऐसा नहीं खाली बैठे बैठे वो उसको उपलब्ध हो जाए। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर का व्यवहार रसवादी, वो किसी से घृणा नहीं कर सकते। आज उनके नाम पे लोग चाहे घृणा की बातें करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, जितना कि मैंने पढ़ा, मुझे नहीं लगा कि वो बहस कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध में कहीं आपने घृणा देखी। कौन सा ऐसा पक्ष है, कौन सा ऐसा वाक्य आप मुझे उद्धृत करके घटना बता सकते हैं जहां उनके मन में घृणा झलकती है। रसवादी है, वर्ग निरपेक्ष है, सेकुलर उदार सांप्रदायिकता निरपेक्ष है, लेकिन धार्मिक तो कहीं नहीं, धर्म की तो स्थापना कर रहे हैं। और अंतिम बात कहकर के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि उनकी जिज्ञासा में, चेतना में क्या जिज्ञासा, हर वक्त जानना चाहते हैं, इसीलिए तो इतनी सारी डिग्रीज, इतने सारे नॉलेज को उन्होंने संग्रहित किया। रहस्य बोध कि आखिर मिस्ट्री है क्या, उसको अनमिस्टिफाई करने का उनका प्रयास था। सौंदर्य बोध, एस्थेटिकली कैसे जिए, पेट भर, लेकिन उसके बाद यार जीना कैसे है, दिस इज द क्वेश्चन। ये सारे सारा उनमें आप इकट्ठा देखेंगे, उनके व्यक्तित्व में, उनकी चेतना में, उनके वेलबींग के कॉन्सेप्ट में। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी को, हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो हम सबको संबोधित करें और हमारे जो सीमित ज्ञान है उसकी दृष्टि को वो और व्यापक करें। डॉक्टर प्रवेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी का और आशुतोष जी का। आशुतोष जी ने
बड़े बेहतर तरीके से संस्कृत और अंबेडकर को लेकर के बात की, और हम सभी का ज्ञान तो बढ़ाया ही कि संस्कृत की दृष्टि से अंबेडकर उस पर बात की। देखिए एक बात अपने को सबको समझ में लेनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर कोई नई बात नहीं कह रहे थे। अंबेडकर तो उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे थे जिस परंपरा का निर्वाह इस देश में महर्षि वाल्मीकि ने किया, प्रभु राम ने किया, महाराणा प्रताप ने किया, शिवाजी ने किया, और तमाम जो हमारे श्रेष्ठ ऋषि परंपरा के लोग हुए उन्होंने किया। वो क्या था? वो एक तत्व था, भारत का जो तत्व था उस तत्वों पर किस प्रकार से भारत का एक एक मानस खड़ा हो जाए और होकर के दुनिया के अंदर भारत की पताका को लहराए, इसका काम ही तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया। अंबेडकर जी ने भारत के समाज को, जो कि समाज कुछ परिस्थितियों के कारण से छिन्न भिन्न हो गया था, पट गया था, या कहें कि असंगठित हो गया था, उस सारे समाज को संगठित करने के कार्य को लाने का कार्य जो है उन्होंने किया। वो कैसे एक स्वर में खड़े हो सके? यदि हम समाज की बात करते हैं तो समाज यानी क्या? समाज क्या है? तो समाज में तीन शब्द मिलकर के बनता है, सा, मा और जा। तो सा का अर्थ सभ्य और मा का अर्थ मनुज मनुष्य और जा का अर्थ जगत। इस प्रकार से हम सभ्य मनुष्यों का एक जगत की संकल्पना करते हैं जब हम भारतीय दृष्टि से समाज को बताते हैं। आशुतोष जी तो संस्कृत के विद्वान हैं, ये बहुत अच्छे से इन चीजों को जानते हैं। यानी कि समाज तो सभ्य लोगों का जगत है, तो उस सभ्य लोगों के जगत में किस प्रकार से समाज में असमानता हो, किस प्रकार से समाज में भिन्नता हो, और किस प्रकार से समाज में एक दूसरे को एक दूसरे से भिन्न माना जाए, और भिन्न मान करके उसके आधार पर भेद की दृष्टि का निर्माण किया जाए। इन तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का कार्य बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया। लेकिन हुआ क्या? बाबा साहब अंबेडकर, जैसे हमने आज का विषय रखा कि राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी राष्ट्र के निर्माण करने वाले। राष्ट्र कैसे बनता है? तो राष्ट्र के लिए तो आपके अंदर भाव होना जरूरी, यानी कि आपके अंदर व्यक्ति का व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। जब व्यक्ति का व्यक्ति के साथ कनेक्ट होगा, आपस में एक इतिहास उनका जुड़ाव होगा, तभी तो वो चीजें चलेंगी ना। जैसे कि समाज के बारे में बड़ी अच्छी बात जो है एक विदेशी हमारे चिंतक ने कहा, गिनसबर्ग ने। गिनसबर्ग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कुछ लोगों का इकट्ठा हो जाना, कुछ लोगों का किसी समस्या के कारण से इकट्ठा हो जाना, क्या वो समाज कहा जा सकता है? वो कहते हैं नहीं, उसको समाज नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि समाज होने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ बंधु भाव का होना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र निर्माता अगर हम उनको कह रहे हैं, तो वो राष्ट्र की संकल्पना में क्या बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारत राष्ट्र तभी बन सकता है जब भारत के अंदर व्यक्ति का व्यक्ति के साथ जो भेद है वो मिट जाए और सभी एक साथ परस्पर रह करके साथ साथ रहें। जैसा कि ऋग्वेद का अंतिम श्लोक कहता है, ऋग्वेद का अंतिम श्लोक क्या कहता है? ऋग्वेद का अंतिम श्लोक कहता है कि समानी वह आकुति, समान हृदयानि चा, समान मस्तु वो मनो यथा वह सुहासति। यानी कि हम सभी के जो मानस हैं, हम सभी के जो मन हैं, वो मिले होने चाहिए। हम सभी लोग जो भी कार्य करें वो साथ साथ करके करें। इस प्रकार का समाज के अंदर सोच का निर्माण हो, यही तो हमारे ऋषि परंपरा के अंदर हमें बताया गया है ना। हमारे हृदय मिले हुए हो, यही तो हमें ऋषि परंपरा ने बताया हुआ है, और यही बात तो उपनिषदों का ज्ञान कहता है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं
सर्वे भवति सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मा कश्यंती दुख भाग भवेत। यानी कि हम सभी के कल्याण की संकल्पना करते हैं। इसलिए जब बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में तमाम तरह के कष्ट आए, और हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म तो एक अस्पृश्य माने जाने वाले जाति के अंदर हुआ था, जिसको हम जाति कहते हैं। हालांकि भारत में ज्ञाति शब्द है, जाति शब्द नहीं है। जाति को हमने बाहर से ले लिया, हम ज्ञाति शब्द का प्रयोग। ज्ञाति का अर्थ क्या? यानी कि जिसको किसी एक चीज का विशेष ज्ञान हो, यानी ज्ञाति का शब्द को ही हमने जाति में बाद में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम जाति के बारे में ही बात करते हैं तो हमारे सारे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जाति का अर्थ क्या। जाति यानी कि जो एक तरह के दिखने वाले लोग हैं, एक तरह का उनका मानस है, वो एक जाति है ना। भारत एक जाति के रहने वाले लोगों की पृष्ठभूमि का एक देश है, क्योंकि तो उनका एक अपना इतिहास है, उनका अपना एक भूगोल है और सारी चीज। वर्ण और जाति को भी वो भिन्न भिन्न कर देते हैं और कहते हैं कि दोनों को अलग अलग रखकर बात करने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब का तो जन्म दलित परिवार में हुआ। 14 तारीख को हम मनाते हैं कि जो है उनका जन्म, 14 अप्रैल को उनका जन्म मनाते हैं। और एक दलित परिवार में जन्म होता है तो दलित परिवार में जन्म होने के कारण से तमाम तरह की जो उस समय की स्थितियों में जो असमानता थी, उस समय का जो उत्पीड़न था, वो अभी उन्होंने झेला। आप देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के बहुत थोड़े कम समय तक ही उनकी माता उनके साथ रही, बाद में वो बुआ माँ के साथ रहे, वो उनके साथ ही रहे। वो कई सारे संस्मरण आते हैं, उन संस्मरणों में आता है कि जब बाजार जाते हैं तो बाजार में सामान खरीदते हुए दुकानदार सामान को उनको सम्मानजनक तरीके से नहीं देता, तब अपनी बुआ माँ से पूछते हैं कि माँ ये कैसा है, ये हम उसको पैसा दे रहे हैं, पैसे के उपरांत वो हमको फेंक कर सामान दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि भाई हमारा जन्म जो है महार जाति में हुआ है, हम अस्पृश्य समाज के लोग हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। बाबा साहब जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में उनको शिलापट को, उनको ब्लैक बोर्ड को छूने नहीं दिया जाता। स्कूल में वो क्लास में बैठ नहीं सकते, पानी को वो छू नहीं सकते, घंटों उनको इंतजार करना पड़ता है पानी पीने के लिए ना। ये तमाम सारी परिस्थितियां उनके साथ जीवन में आती हैं। लेकिन वहीं पर एक परिस्थिति और भी आती है कि उनको गुरु अंबेडकर भी मिलते हैं, जो कि जाति से ब्राह्मण है, लेकिन वो अपना उनको नाम देते हैं, उनको घर बुलाते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। गुरु किर्लोस्कर मिलते हैं, जो उनको शाहू जी, जो कि उनको बड़ौदा रियासत के राजा से मिलाते हैं, उनको स्कॉलरशिप दिलाते हैं और उनको विदेश भेजते हैं। तो यह भी सारे संस्मरण बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ चलते हैं। अब बाबा साहब अंबेडकर जब इस देश के अंदर आते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ये सारी घटनाक्रम से आपको इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि थोड़ा आप कनेक्ट हो बाबा साहब के बारे में, थोड़ा सा आप उसके बारे में जाने भी उनके बारे में। तो हम देखते हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर विदेश से पढ़ करके आते हैं तो सोचते हैं कि बहुत सारी स्थितियां बदल गई होंगी इस देश के अंदर। वो बड़ौदा रियासत में जाते हैं, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि जब वो पढ़कर आएंगे तो बड़ौदा रियासत की नौकरी करेंगे। वहां वो रक्षा सचिव के रूप में वहां नियुक्त भी हो जाते हैं। आप सोचिए किसी स्टेट का डिफेंस सेक्रेटरी उसका क्या रुतबा होना चाहिए था। लेकिन जिस ऑफिस में काम करते हैं उसमें चपरासी उनको पानी देने से भी परहेज करता है, उनकी फाइल को छूने से परहेज करता है। अच्छा, बड़ौदा में वो रहना चाहते हैं तो रहने के लिए उनको कोई घर देने को राजी नहीं होता। जब वो झूठ बोल करके घर में किसी के प्रवेश करते हैं तो उनके गले वो अपने जनेऊ नहीं उनको देखते, तो उनको स्टोर रूम में रहना पड़ता है, भंडार गृह में रहना पड़ता है, वो अपना भोजन खुद बनाना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम परिस्थितियां उनके जीवन में पड़ती हैं, तो वो बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ देते हैं। अब बड़ौदा की नौकरी छोड़ने के बाद, क्योंकि वकालत भी उन्होंने करी हुई है ना, उन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई करी हुई है, वो जाकर के एक कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं मुंबई में, उस कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हो जाते हैं। अब वहां देखते हैं कि उनके लिए मटका और कुर्सी अलग रख दी जाती है, तमाम शिक्षकों के साथ वो बैठ नहीं सकते, उनके साथ वो भोजन नहीं कर सकते, इस प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने आ जाती है। अब वहां से भी परेशान होकर के वो उसको भी छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद वो और आगे बढ़ते हैं, वकालत करने लगते हैं। अब वकालत के पेशे में जाते हैं तो वकालत के पेशे में जज उनसे कहता है कि 6 फुट की दूरी से हमसे बात करो।
अब 6-7 फुट की दूरी से जज को बात सुनती नहीं है ना, तो फैसला क्या होना है, उनके पास केस आते नहीं है। तो इस प्रकार की बातें देख करके वो सोचते हैं कि ये समाज में हो क्या रहा है, समाज में किस प्रकार की स्थितियां बन गई हैं कि जिसके अंदर एक मनुष्य को मनुष्य नहीं माना जा रहा और उसके साथ इस प्रकार का भेद किया जा रहा है। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वह फिर आंदोलन के रास्ते को अपनाते हैं। तो क्यों अपनाते हैं, मैं एक बहुत अच्छा एक शेर बोलता हूँ हमेशा कि कोई कोई चीखा अगर है तो कोई तड़पन सही होगी, कोई यूं ही नहीं रोता, कोई तो बात होगी ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर यदि बहुत सारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि हिंदू समाज का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तड़पन उनके अंदर थी, जो तड़पन उन्होंने बचपन में सहन करी, जो तड़पन उन्होंने शिक्षक होने के नाते सहन करी, जो तड़पन उन्होंने वकील होने के नाते सहन करी, जो उन्होंने तड़पन एक प्रशासनिक अधिकारी होने के रूप में सहन करी, तो वो सारी चीजें उनकी उनकी पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने महसूस किया। और इसके लिए फिर अम्बेडकर ने क्या किया, अम्बेडकर ने 3 रास्तों को अपनाया है ना। वो 3 रास्ते कौन से में था, पहला पत्रकारिता साहित्य के माध्यम से वो लोगों तक अपनी बात को कहना चाह रहे थे, समाज से अपनी बातों को कहना चाह रहे थे। दूसरा उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, उन्होंने प्रत्यक्ष आंदोलन की डायरेक्ट जो एजिटेशन था उसका मार्ग अपनाया, जिसमें उन्होंने मंदिर प्रवेश की बात करी, पानी की महार सत्याग्रह की बात करी, इन तमाम तरह की बातें करी। और तीसरा उन्होंने करा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण किया जाए, एक संगठन का निर्माण किया जाए, संगठन का निर्माण करके लोगों को संगठित किया जाए। उन्होंने एक मार्ग अपनाया कि भाई पहले सोए हुए समाज को उनके दर्द का एहसास कराओ, और दर्द का एहसास कराते हुए फिर उनको एक विचारधारा के साथ लामबंद करो, और उस विचारधारा के साथ लामबंद करते हुए उसको एक संगठित संगठन बना करके और फिर राजनीति में जाकर के सत्ता की प्राप्ति करो। ये 3-4 स्टेप का मार्ग जो था वो तीसरे जो उनका एजिटेशन का तरीका था उसके अंदर उन्होंने लिया। तो अम्बेडकर इस प्रकार से समाज को संगठित कर करके और फिर समाज कैसे एकात्मकता के स्रोत के सूत्र के साथ बंध पाए, यानी कि समता के सिद्धांत के साथ बंध पाए। क्योंकि अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र होने के लिए समानता और स्वतंत्रता तो होना आवश्यक है, लेकिन तीसरा तत्व जो बंधुत्व है वो सबसे ज्यादा अहम है। उस बंधुत्व की आवश्यकता समाज के अंदर सबसे ज्यादा है, यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। इसीलिए हम देखेंगे कि अम्बेडकर सदैव कहते हैं कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है, वो राष्ट्र नहीं है। वो शायद वो इसी तत्व के आधार पर कहते हैं कि भारत के अंदर व्यक्तियों के बीच में जो आपस में बंधु भाव है उसके बहुत बड़ी नितांत कमी है। और वो किस कारण से, वो कहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर जो ये जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था के कारण से समाज के अंदर ये सारी असमानता आई है। और जिस असमानता के अंदर जब वो महाड़ में जाते हैं तो महाड़ के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक तालाब के अंदर कुत्ता जाता है और वो नहा करके चला आता है, गाय भैंस जाती है उसके अंदर मूत्र भी करती है, मल भी करती है, उसका पानी भी पीती है और पानी पी के चली जाती है, लेकिन गांव के लोगों को वह चीज खटकती नहीं है, उनको बुरा नहीं लगता। लेकिन यही काम यदि कोई दलित व्यक्ति कर लेता है, कोई शुद्ध समाज का व्यक्ति कर लेता है, जाकर के पानी पी लेता है, तो उनको उसमें कष्ट हो जाता है, उसको पीट पीट के मार देते हैं, उनका पानी अशुद्ध हो जाता है। तो ये किस प्रकार की अमानवीयता है, ये तो कोई ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये तो दृष्टि समाज की, हमारे भारत की दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि भारत की दृष्टि तो इस प्रकार की है ही नहीं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर हुआ शुद्रास को हम पढ़ते हैं, अगर हुआ शुद्रास लोगों ने पढ़नी चाहिए, उस किताब में आप देखें उसके अंदर तमाम सारे वो रेफरेंसेस देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति उच्छेद के अंदर तमाम तरह के रेफरेंसेस देते हैं, वो ऋग्वेद की और अथर्ववेद की इनकी जो श्लोक से उनको वो उनमें उद्धृत करते हैं, उनमें बताते हैं कि देखिए आप समाज में कैसा है वो। तो ये जो चीजें हैं वह समाज के अंदर व्याप्त हुई, और व्याप्त होने के कारण हुआ क्या, व्याप्त होने के कारण भारत वर्षों वर्षों गुलाम बना। भारत की गुलामी का कारण क्या था, वो डॉक्टर अम्बेडकर के दिमाग में था। भारत की गुलामी का कारण ये जाति व्यवस्था थी, और जाति व्यवस्था के अंदर जो असमानता का भाव था, जो विघटन था है ना, समाज में जो ऊंच नीच और अस्पृश्यता का भाव था, उस भाव ने कभी एक दूसरे को एक दूसरे के करीब आने ही नहीं दिया। तो जब समाज एक दूसरे के करीब आया नहीं, तो फिर मुट्ठी भर लोग आए और उन्होंने आकर के देश को गुलाम बना दिया।
नहीं, इस देश को गुलाम बना दिया। शक कितने थे? बहुत थोड़े से थे। हूण कितने थे? बहुत थोड़े से। मुगल कितने थे? बहुत थोड़े से। अंग्रेज कितने थे? बहुत थोड़े से। आप देखिए कि एक संगठन है, देश का सबसे बड़ा संगठन और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके संस्थापक क्या कहते हैं? डॉक्टर हेडगेवार क्या कहते हैं? डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर जो है वो आपस का जो बंधु भाव है उसकी नितांत कमी के कारण से ही भारत गुलाम हो गया। वही बात तो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे, वही बात तो सावरकर कह रहे हैं, और वही बात तो फूले ने भी कही, वही बात तो शाहू ने भी कही, वही बात तो कबीर किले के पूरी परंपरा कहती आ रही है। वो क्या है? वो कहते हैं, देखिए वो एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हुए डॉक्टर हेडगेवार क्या कहते हैं, कहते हैं पानीपत का युद्ध हो रहा था। पानीपत के युद्ध में ये निर्णय होना था कि कौन जीते, कौन भारत की, भारत को का शासक कौन होगा, क्या बाहर से आए हुए लोग शासक होंगे या भारत के अपने मूल जो है वो शासक, यानी कि भारत के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था पानीपत के युद्ध के अंदर। प्लासी का युद्ध जो था, उस युद्ध के अंदर भारत के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था। ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध थे, इनमें भारत के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था। अब भारत के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, लेकिन भारत की 80% जनजाति जो जातियां थी वो मैदान के बाहर खड़े होकर तालियां बजाने के लिए खड़ी थी कि कौन युद्ध हारेगा, कौन जीतेगा। यानी कि आप देखिए कि कितनी बड़ी यहाँ पर समस्या थी कि एक तो एक तरफ भारत गुलाम बनेगा या नहीं गुलाम बनेगा इसका निर्णय होने जा रहा था, और भारत की जनता ताली पीटने और दुख अफसोस करने के लिए मैदान के बाहर बैठी हुई सिर्फ इंतजार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये जो विभिन्नता थी, समाज के अंदर जो ये कुरूतियां थी, इन कुरूतियों ने समाज को बांट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर क्या करना चाह रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर इसी को तो ठीक करना चाह रहे थे, बाबा साहब इसी को तो बराबर बनाना चाह रहे थे कि भाई आप सभी लोग यदि संगठित होकर के रहेंगे तो कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए आप देखेंगे 1949 का उनका स्पीच पढ़ी है बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर उस स्पीच के अंदर यही सारी बातें कह रहे हैं कि वो आए ऐसे गुलाम बनाया वैसे किया, वो सारी बातें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के, पार्लियामेंट की जो उनका अंतिम भाषण है, संविधान सभा का जो भाषण अंतिम भाषण है उसको पढ़ना चाहिए हम सब लोग, उसके अंदर वही बात कह रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमने क्या कहा? उनको सब कास्ट के लीडर हैं, तो जाति के लीडर है ना। इन्हीं वामपंथियों ने जो आज बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लेकर के डोलते घूमते हैं, इन्हीं के डांगे जो लीडर थे और नमूदरी पाद, डांगे ने क्या कहा? डांगे कहते हैं कि अम्बेडकर, अम्बेडकर नॉट अ लीडर ऑफ लेबर्स, अम्बेडकर नॉट अ लीडर ऑफ वीमेन्स, अम्बेडकर नॉट अ लीडर ऑफ दलित कास्ट, दलित कम्युनिटी, दे ओनली लीडर ऑफ द महार्स। वो कहते हैं कि अम्बेडकर जो है वो किसी मजदूरों का नेता नहीं है, वो कोई महिलाओं के नेता नहीं है, वो केवल पूरे दलित समाज के नेता नहीं है, वो तो केवल महारों के नेता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कह रहे थे, आज वो अम्बेडकर को लेकर के डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब अम्बेडकर की दृष्टि क्या थी? अम्बेडकर कोई कास्ट के लीडर नहीं थे, अम्बेडकर तो वो जो सभ्य जो समाज की संकल्पना भारत ने सोची थी है ना, उसी संकल्पना को तो लोगों को ध्यान करा रहे थे, उसी के बारे में तो बात कर रहे थे। जो देशज चिंतन था, देशज क्या है ना, आशुतोष जी बड़े अच्छे से देशज को बता सकते हैं। देशज का अर्थ क्या है? देशज का मतलब है वो ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान का शास्त्र जो देश की रक्षा करे, उसका अर्थ मतलब देशज। देशज का अर्थ है रक्षा करने वाले शास्त्र। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे थे? बाबा साहब अम्बेडकर जो ज्ञान दे रहे थे लोगों को, जो उस ज्ञान को बात कर रहे थे, वो ज्ञान तो वही था जो देश के लिए अच्छा था। तो देश के लिए तो अच्छा था ना ये कि भाई समानता अगर आएगी समाज में, एक इगालिटेरियन सोसाइटी बनेगी, एक समता मूलक समाज बनेगा, तो समता मूलक समाज संगठित समाज होगा, और अगर संगठित समाज होगा तो किसी भी शक्ति से वो लड़ सकता है, किसी भी शक्ति से लड़ सकता है। और ऐसी ही भारत की परंपरा रही है ना, भारत में कभी कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रहा। मैं अक्सर कहता हूं, हम कहते हैं साहब ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, ऋग्वेद का 73% करीब हिस्सा, आशुतोष जी संस्कृत के विद्वान है वो जानते होंगे, लगभग 73% हिस्सा तो उसमें शूद्र ही ऋषि हैं, शूद्र ऋषियों के द्वारा उसको लिखा गया है। उसमें तमाम महिलाएं जो है वो उसके उसके अंदर लिख रही हैं, और ऋग्वेद के अंदर तो स्तुतियां भी बहुत सारी हैं। स्तुतियां किसकी है? रथ बनाने वाले की स्तुति है, लोहार की स्तुति है, बढ़ई की स्तुति है, वो सारी स्तुतियां हैं है ना। तो ये यही तो सब कुछ उसके अंदर है। और आप देखिए एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को, आप लोग कुछ पेज पलटेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा। ये शवपाक कौन थे? मैं अक्सर कहता हूँ ये शवपाक तो चंडाल थे ना,
शवपाक चंडाल थे और शवपाक के पुत्र कौन थे? मातंग थे। मातंग कौन हुए? चंडाल थे। सवारकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में बड़े अच्छे से इसको बताया। अब जब शवपाक चंडाल थे तो उनका पुत्र मातंक वो भी चंडाल हुआ, और मातंक के पुत्र कौन थे? मातंक के पुत्र पराशर थे, पराशर के पुत्र वेदव्यास थे, वेदव्यास के पुत्र कौन थे? वेदव्यास के पुत्र तो कौरव और पांडव थे और विदुर थे। तो ये सारी की सारी क्या बलि आपकी श्रृंखला जो बनाई हमने, यानी कि मूल में कौन थे? यदि आपने हमारे यहाँ पर वर्ण और जाति व्यवस्था जन्म से जुड़ी हुई थी तो फिर पराशर ब्राह्मण कैसे हो गए, वेदव्यास कैसे हो गए, और क्या नाम है, मातंग क्या हो गए, शवपाक क्या हो गए, सारे चंडाली होने चाहिए थे। तो हमारे महाभारत के जो पात्र थे सारे कौरव और पांडव, वो सारे क्या हुए, है ना? तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और बाबा साहब अम्बेडकर यही बात कह रहे थे, हम लोग यही बात कहना चाह रहे हैं, दुनिया और देश को बताना चाह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर तो सच्चे देशभक्त थे, वो राष्ट्र निर्माता थे। भाई देशभक्त कैसे थे? आप देखिए कि जब उन्होंने वहां अपनी थीसिस के लिए प्रपोजल का टॉपिक रखा लंदन के अंदर, तो उनके ऊपर खुफिया लगा दी गई, उनको जांच के अंदर ले लिया गया। उन पर वहां की जो जो पुलिस थी वो उनकी इंक्वायरी करने लगी, उनके जो सुपरवाइजर थे उन्होंने उनको बचाया, नहीं तो वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं कि साहब फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल में बाबा साहब का योगदान नहीं था। कैसे नहीं था बताइए? जिनका नाम अंग्रेजों ने अपनी डायरी में लिख दिया हो कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर नजर रखी रखी जानी चाहिए, तो वो देशभक्त नहीं है थे। 1942 के अंदर उन्होंने एक पूरा आंदोलन, पूरा उन्होंने आह्वान कर दिया दलितों का। 29 के अंदर, 32 के अंदर, 31 के अंदर, 21 के अंदर उन्होंने क्या किया है, आप देखिए, आप उनकी स्पीचेस को पढ़िए, उनकी बातों को पढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर फ्रीडम फ्रीडम फाइटर भी है। बाबा साहब अम्बेडकर जहां समाज को एक करना चाह रहे हैं और समाज को एक किस तत्व में करना चाह रहे हैं, जो तत्व भारत का तत्व था, जिस तत्व के बारे में महात्मा बुद्ध ने भी कहा, जिस तत्व के बारे में हमारी ऋषि परंपरा ने कहा, जिस तत्व के बारे में उपनिषदों ने कहा, जिस तत्व के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, वो तत्व यही तो है। वो तत्व है जहां पर हम कह रहे हैं कि भाई सब एक है। अब वो भगवान कृष्ण की बात को भी देखिए, आप सूर शुद्रास को पढ़िए, निचुन अवकाश को पढ़िए, उसमें उसके भी एग्जाम्पल्स देते हैं, महाभारत के एग्जाम्पल्स देते हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, क्या कहते हैं अर्जुन उनसे पूछते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चातुर वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, गुण और कर्म पर आधारित है। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? बाबा साहब भी तो वही कह रहे हैं, बाबा साहब उससे भिन्न थोड़ी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आप जाति को जन्म से, आपने आपने वर्ण को जन्म से क्यों मान लिया? गांधी के साथ जो पूरी डिबेट हो रही है अंबेडकर की, वो यही तो हो रही है, वो यही तो हो रही है। वो कह रहे वर्ण व्यवस्था में अब दिक्कत हो गई है, वर्ण व्यवस्था को ही मिटाना पड़ेगा। वो गांधी कह रहे नहीं, इसका जन्म से लेना देना कुछ नहीं है। तो कह रहे जन्म से लेना देना कुछ नहीं, मैं भी मानता हूं। अंबेडकर खुद लिख रहे हैं वॉल्यूम 10 के अंदर पेज नंबर 52, आप पढ़िए उसको। अब वो खुद कह रहे हैं कि हाँ वो गलत अलग है, लेकिन नहीं फिर, लेकिन ये आज के समय में लोगों में तो चलायमान तो यही है, चलायमान तो ये। इसलिए बाला साहब देवरस क्या कहते हैं, संघ के जो तृतीय सर्वसंघ चालक है, कल उनकी पुण्यतिथि थी, मेरा कल लेक्चर था, मैं उसको बोल रहा था, तो बाला साहब देवरस क्या कहते हैं, कहते हैं वर्ण व्यवस्था हो सकता है उस जमाने में ठीक रही होगी, लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि आज वो जन्म से हो गई है, वो कर्म से नहीं हुई, कर्म से उसका कोई लेना देना रह नहीं गया ना, तो उसका औचित्य भी नहीं रह गया है, इसलिए वो समाप्त होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी तो यही कह रहे थे, यानी संघ भी तो यही कह रहा है, बाला साहब देवरस भी यही कह रहे, डॉक्टर हेडगेवार भी यही कह रहे थे, गुरु जी यही कह रहे थे। तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। समाज दृष्टि अभी एकाग्रता एकता में रहेगी। अब देखिए कि जब युधिष्ठिर का यक्ष के साथ प्रश्न होता है, तो संस्कृत के विद्वान जानते होंगे यक्ष के प्रश्न के अंदर एक प्रश्न वो शूद्र के बारे में करते हैं, तो वो कहते हैं कि शूद्र कौन है? बोला निकृष्ट कार्य जो करता है वो शूद्र हो जाता है। वो कहता है कि यदि ये काम ब्राह्मण करने लगे, कोई ज्ञानी पुरुष करने लगे, तो फिर क्या होगा? बोला शूद्र हो जाएगा। और यदि जो ब्राह्मण, अगर यदि शूद्र ज्ञान का कार्य करने लगे तो फिर बोला ब्राह्मण हो जाएगा, यानी कि वो तो धर्म से कोई लेना देना नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने मन्वांतर व्यवस्था की बात करी। वो मन्वांतर क्या था? वो कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम का 25 वर्ष का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर ही सारे वर्ण थे, बाकी वर्ण का कोई औचित्य नहीं रहा है समाज के, हम ये सब जानते हैं।
तो बाबा साहब अंबेडकर को हम कहते हैं कि राष्ट्र निर्माता, तो हम कहते हैं कि समाज की दृष्टि में उन्होंने लोगों को जोड़ने की बात कही। दूसरी दृष्टि हम देखते हैं बाबा साहब एक अर्थशास्त्री के रूप में, हम देखो भाई बाबा साहब अंबेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में यदि हम देखते हैं तो वो देखते हैं कि 1921 के अंदर वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे भाई ये जो कृषि की व्यवस्था है ये जो पिछड़ रही है, लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जो मर रहे हैं, किसान जो है कहते हैं किसानी जो है वो लाभ का सौदा नहीं है, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई किसानियों किसानी के लिए आपको विशेष प्रावधान करने चाहिए सरकारों ने। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध नहीं करते, वो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नेसेसरी है देश के लिए, लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ आप एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी तो करेंगे। वो क्यों करेंगे? वो कहते हैं कि इसलिए करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है और रॉ मटेरियल के साथ साथ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये अंबेडकर तब कह रहे थे, आप सोचिए तब कह रहे थे। आज तो सरकारें अब सोचने लगी ना कि आप एग्रीकल्चर को हम काम करना चाहिए, हमको हमको किसानों को क्रेडिट कार्ड देना चाहिए, तमाम तरह की चीजें सोचिए। अंबेडकर आप सोचिए 21-22 में कह रहे थे, 1922-21 में कह रहे थे कि भाई किसानों को स्पेशल कुछ देना दिया जाना चाहिए, उनको कुछ भत्ते दिए जाने चाहिए, उनको कुछ सुविधाएं देनी दी जानी चाहिए और जिससे कि वो डेवलप कर सके, जिससे कि उनके उनका जो किसानी है वो घाटे का सौदा ना बने, घाटे का सौदा ना हो, है ना, क्योंकि घाटे का सौदा माना जा रहा था उसको। और कह रहे इसलिए इसका इसको एम्पावर करना जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल भी देता, कच्चा कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। अब आगे हम जाके फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखिए एक और भी भारत के अंदर समस्या है। भारत के अंदर समस्या क्या है कि कृषि का पिछड़ने का कारण है कि जोतों का छोटा आकार है, जोतों का जो आकार है यानी जोतने वाली जो भूमि है वो छोटी छोटी है, इसलिए क्या करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कलेक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए। आज हम जिसको कह रहे हैं अभी मोदी गवर्नमेंट ने कहा कनेक्टिंग कलेक्टिंग फार्मिंग की बात कही। अंबेडकर 21-22 के अंदर इस बात को कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई आप जो है कलेक्टिव फार्मिंग करिए, सामूहिक खेती करिए। सामूहिक खेती का लाभ क्या है? वो कहते हैं लाभ उसमें ये है कि आपकी लागत कम आती है, लागत कम है, श्रम आपका बढ़ जाता है, जोखिम कम है और लाभ ज्यादा है। तो तीन आस्पेक्ट होते हैं ना किसी किसान किसी भी चीज के, तो जिसमें वो कहते हैं कि लागत इसमें बहुत कम आ रही है। अगर आपके पास सारे लोगों ने मिलकर के 20 बीघे में जमीन में बोई, उस पर अगर कॉस्ट 20,000 की आई तो सबने बट गई, और यदि वो फसल जो है बिकी और बिकने के लिए अब उसको क्या ज्यादा फसल हुई तो व्यापारी आपके घर आ सकता है, नहीं तो आप जो है अपने ट्रक के डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ डॉक्टर प्रवेश जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लो बैंड बिट का मेरे पास आपका आ रहा है सूचना, आप अपनी वीडियो ऑफ करके आप अपना वक्तव्य दीजिए। डॉक्टर प्रवेश जी, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लो बैंडविड्थ है आपका। आ रही आवाज अभी? डॉक्टर प्रवेश जी, जी हेलो, डॉक्टर प्रवेश आप डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए अगर ऐसा है तो। डॉक्टर प्रवेश सुन पा रहे हैं? संजीव जी आप उनको एक बार कॉल। जी मैं कर रहा हूँ।
हाँ कॉल करके मैं कर रहा हूँ, उनको। मैं कर रहा हूँ सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी श्रोताओं को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और उनका समापन होने के बाद, वक्तव्य समाप्त होने पर आप अपने प्रश्न भी रख सकते हैं, अपनी असहमति भी बता सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है जो भी पॉइंट आउट आप करना चाहें आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी को लेकर के यही कुछ एक दिक्कतें हमेशा हमारे साथ रहती हैं कि टेक्नोलॉजी स्टेबल नहीं है, माया की तरह ये आती जाती रहती है। और जैसे कबीर ने कहा भी था कि माया महाठगनी, तो चलते चलते बीच में कब गायब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। धैर्य रखते हुए डॉक्टर साहब हो रहे हैं प्रवेश चौधरी। जी संजीव जी, जी अभी रिकनेक्ट हो रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है, हाँ रिकनेक्ट करना है ऐसा नेटवर्क डॉक्टर साहब, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ अपना, मेरे साथ भी इशू आ रहा है ये। जी, जब प्रवेश ने शुरू किया लेक्चर तो मेरे पास से ऑडियो ही चला गया था शुरू में। अच्छा, वीडियो तो ऑडियो सुन पा रहा हूँ मैं। जी जी जी, कोई नहीं, आप इसको बड़े अच्छे से व्याख्यित करते हैं, महा या सॉरी मायावी है ये। उसको अगर एक्चुअली टेक्नोलॉजी शब्द जो है ना, टेक्ने से बना है, टेक्ने ग्रीक वर्ड है और उसकी पृष्ठभूमि, मतलब हम लोगों ने कभी ना शब्दों के इतिहासों को नहीं देखा, टेक्ने का मतलब ही मायावी शक्ति है। अगर आप कभी डिक्शनरी उठा के देखें और उसका प्रयोग भी देखें, और इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं हम बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं, अगर हम उनका इतिहास देखें तो हमें पता लगेगा कि जिस तरह से हम शब्दों को प्रयोग करते हैं वस्तुतः तो उनके अर्थ वैसे नहीं है। ये आगे एक आध सेमिनार इसके ऊपर है, ये जो नॉन ट्रांसलेटेबल जो शब्द होते हैं, जैसे हमारी भारतीय परंपरा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उनको अनुवाद करके चला रहे हैं काम, तो उससे कितनी सारी समस्याएं पैदा होती हैं वो उस पर निकट भविष्य में सेमिनार भी है, उसको हम देखेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से जुड़ जाए तो आवाज़ आ गई मेरी। जी सर, जी 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 डॉक्टर साहब। तो मैं कह रहा था कि अंबेडकर जी ने अर्थशास्त्र को लेकर के, देखिए आप पूरी पूरा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम इंडस्ट्री को लेकर के, और फिर मैंने कहा कि 1923 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अभी जो हम आज संकल्पना देख रहे हैं, अभी जब रिजर्व बैंक के 100 वर्ष करीब हुए तो उन्होंने उसके अंदर अपना जो उन्होंने क्वेश्चन निकाला उसके अंदर भी बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र दिया, उन्होंने कहा कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने ही इसके बारे में बात की थी, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि थी, इसके बारे में बात नहीं हुई, आज़ादी कितने वर्षों बारे में बात नहीं हुई, लेकिन अब जाकर के संजीव जी हैं हमारे, आशुतोष जी हैं, ऐसे लोगों ने उनके तमाम पक्षों के बारे में बात करना शुरू किया है, और ये एक अच्छी चीज़ है, और क्योंकि होने भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बात ही तो पूरे भारत की करी, भारत की परंपरा के बारे में बात करी। तो अब आगे हम और थोड़ा आप देखें तो आप देखें कि अम्बेडकर ने डेवलपमेंट के इश्यूज पे कितना बड़ा काम किया, उन्होंने जो ये आज हम दामोदर घाटी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, या किस प्रकार से मल्टीपल यूज होना चाहिए डैम्स का, डैम का मल्टीपल यूज कैसे हो, उसका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था बाबा साहब अम्बेडकर, दामोदर में तो आप उनका चित्र भी कई बार देखेंगे कि दामोदर घाटी का जो पूरा का पूरा खाका जो है वो अम्बेडकर ने खींचा है ना, और कैसे उस पानी को आप एग्रीकल्चर में भी लगाएं, और कैसे उससे बिजली बनाए, कैसे इंडस्ट्री चलाएं, कैसे तमाम सारी चीजें करें, ये अम्बेडकर ने पूरा एक विजन दिया इस देश को, और कहा कि आप ऐसे इसको करेंगे तो एक आपका हमारा देश जो है वो बहुत तेजी से डेवलप करेगा, बहुत तेजी से
डेवलप करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज क्या सरकार को कहना पड़ा ना, आज सरकारों ने जब 20,000 करोड़ रुपया दिया है ना, तो उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दिया। आज सोचिए अंबेडकर आज से कितने वर्षों पहले कह रहे थे कि साहब ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप छोटे छोटे गांवों के अंदर आप इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे, छोटे छोटे काम आप शुरू करेंगे, तो आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो पलायन कम होगा। अब देखिए आज पलायन की समस्या है, अभी मेरा लेक्चर है भारतीय मजदूर संघ के साथ पलायन के ऊपर, तो पलायन पे मैं पढ़ रहा था। पलायन क्यों हो रहा है? तो पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देखेंगे कि भारत की आजादी के बाद हमारे पास कई मॉडल थे डेवलपमेंट के, कई मॉडल थे, तो हमने मॉडल कौन सा अडॉप्ट किया? हमने कहा कि साहब हम मिक्स मॉडल अडॉप्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने कहा साहब हम सोशलिस्ट जो है मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। अब ऊपर से तो सोशलिस्ट मॉडल था पर अंदर से वो कैपिटलिस्ट भी था, है ना, ऊपर से सोशलिस्ट अंदर से कैपिटलिस्ट। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रिटिसिज्म किया था उस जमाने के अंदर, आप सोचिए 56 तक तो बाबा साहब रहे नहीं। भाई यदि इसी देश के लिए कोई मॉडल अगर बाहर से लाकर के आप सीधा डाल दोगे तो काम चलेगा नहीं उससे। तो आज आज महसूस करना पड़ रहा, आज जो ये महसूस करना पड़ रहा है वो ये महसूस करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी पॉलिटिकल जो विजन था उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में अंबेडकर ने कहा कि मेरा किस पे एक आर्टिकल राष्ट्र सहारा में छपा, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने लिखा इस बात को कि अंबेडकर का विजन क्या था, अंबेडकर और आपकी इंडस्ट्री भी बड़ी हो और आप डेवलपमेंट जो है वो सब में मतलब ठीक से होना चाहिए। इसलिए इसलिए अंबेडकर जो है वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी कि समाजवादी जो डेमोक्रेसी हो, लेकिन उस समाजवादी डेमोक्रेसी के अंदर भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोगों को एम्पावर ना कर पाए। सरकारी सब कुछ नहीं करेगी, लोगों को भी मैं अक्सर कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धिज्म को भी वो उस रूप में स्वीकार नहीं किया जिस रूप में बुद्धिज्म था, है ना, जो बुद्धिज्म था उस बुद्धिज्म में जो हिंसा का तत्व था उसको बाबा आपका ही थॉट है, बाबा साहब की बात है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो बाबा साहब एक अर्थशास्त्री के रूप में बड़ा उन्होंने काम किया। अब देखेंगे बाबा साहब अंबेडकर लेबर्स के लिए क्या कह रहे हैं। आप 2023 के बाद 25, 26, 29, 42, 41 इन सारे चीजों के अंदर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब जो हमारे मजदूर समाज के लोग मजदूर हैं, इन मजदूरों के लिए काम के घंटे तय होने चाहिए। वो ज्यादा घंटे तक काम क्यों करें? अच्छा, मजदूरों के अंदर जो महिला मजदूर है और जो पुरुष मजदूर है, इन दोनों के काम के घंटों कम होने चाहिए। अगर पुरुष के काम के घंटे ज्यादा है तो महिला के काम के घंटे कम होने चाहिए। इसलिए कम होने चाहिए क्योंकि महिला तो घर में जाकर भोजन भी बनाती, काम भी करती, उसको और भी काम करने पड़ते हैं, उसको बच्चे को भी देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अंबेडकर आप सोचिए 25 में इनकी संगठन के विचार में चल रहा था, जब दुनिया में लेबर लॉस के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही थी उस समय। भारत में एक ऐसा मनीषी था, एक ऐसे चिंतक थे जो कह रहे थे कि साहब नहीं, लेबर्स के भी अपने कानून होने चाहिए, अपनी चीजें होनी चाहिए। और आप देखिए उसमें महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, है ना, और जैसे कि आसाम के अंदर जो टी बागान थे उनका एक इशू उनके पास आया, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई वहां सांप काट लेते हैं तो सेफ्टी पे का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये कहा गया कि जो उनके बच्चे हैं उन बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, तो उस पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था इंडस्ट्री के आसपास होनी चाहिए, यानी क्लस्टर डेवलप किए जाने चाहिए। जहां पर आज सरकार कह रही है ना कि हम जहां इंडस्ट्री होगी वहां पर हम जो है रेजिडेंशियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, रेजिडेंशियल क्लस्टर डेवलप करेंगे उन मजदूरों के लिए। अंबेडकर सोचिए 1925-26 में कह रहे थे कि उनके लिए कुछ ऐसे क्लस्टर्स डेवलप हुए जाने चाहिए जहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई हो, उनके स्वास्थ्य की सेवाएं हो, उनके लिए तमाम सारी चीजें हुई जानी चाहिए। ये अंबेडकर आज से कितने वर्षों पहले कह रहे थे, है ना। तो आप सोचिए क्या विजन था उस व्यक्ति का। अब 28 में आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव के मेंबर बन गए। जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव के मेंबर बन गए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो महिलाएं हैं इन महिलाओं को प्रसूति अवकाश क्यों नहीं, और प्रसूति अवकाश की बात को 28 में रखा और 29 के अंदर उस पर कानून बना। मुंबई के अंदर मुंबई लेजिस्लेटिव ने उस पर कानून बनाया और प्रसूति अवकाश मिलना शुरू हुआ। तो महिलाओं को तो उनको
भगवान की तरह पूजना चाहिए, इसलिए पूजना चाहिए कि उनके काम के घंटे का इशू हो, काम की परिस्थितियों का इशू हो, या फिर उनको प्रसूति अवकाश की बात हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में बात करी। और आज जो मैरिज लॉ है, उस मैरिज लॉ के अंदर हिंदू महिला को यदि अधिकार है कि वो अपनी स्वेच्छा से कोई पुरुष का चयन कर ले, वो डाइवोर्स दे दे, और पिता की संपत्ति में भी उसका अधिकार, तो तमाम चीजें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में डाली थी, जिसको बाद में तो कुछ कुछ हिस्सों के अंदर सरकारों ने पास किया, कुछ कुछ हिस्सों में दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का विजन देखिए कितना विजन था, है ना। वो कहते थे कि मैं किसी भी समाज की तरक्की जो है वहां की महिलाओं की तरक्की के साथ देखता हूँ, यदि महिलाओं की तरक्की नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है वो समाज तरक्की नहीं करी है उस समाज में। इसीलिए जब 1918 के अंदर साउथ बोरो कमेटी के अंदर जब वो इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि इसके अंदर भी आपने महिलाओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। महिलाओं को सरकारों ने पैसा देकर के उनको छोटे छोटे काम खुलवाने चाहिए, जिससे कि वो जो है अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण, यानी कि महिला कैसे आत्मनिर्भर बने। बाबा साहब अंबेडकर का 1980 के अंदर ये पूरा विजन था, 1918 में पूरा विजन उन्होंने दिया इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, दलित महिला और इनके बारे में उन्होंने बात कही कि इनको छोटे छोटे काम खोल के देनी चाहिए, जिनसे कि अपना ये अपने को एम्पावर कर सके, है ना। और वही बातें बाद में फिर हमें आज आज की डेट में सरकारें मान रही है। जब मुद्रा बैंक पे योजना आई तो मुद्रा बैंक के अंदर ये कहा गया कि आप इसके अंदर प्रायोरिटी जो देंगे उसमें महिला और दलित को प्रायोरिटी देंगे, महिला और दलित को पहले आप पैसा देंगे जिससे कि वो अपने काम धंधों को शुरू कर सके। अम्बेडकर 1920s के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह रहे थे कि आपको देनी चाहिए, आपको उनको एम्पावर करना चाहिए। अब आगे और थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, देखिए देखिए अम्बेडकर उसके साथ साथ क्या कह रहे थे। अम्बेडकर को हम देखते हैं तो जब संविधान निर्माण करने के बारे में बात आई तो संविधान निर्माण के अंदर भी उन्होंने कहा कि समाज में सभी लोगों का भला हो, इसलिए उन्होंने इक्वालिटी के अंदर आप देखिए आर्टिकल 15-14 के अंदर क्या कहते हैं, सबको समानता की बात करते, और सबको समानता की बात करते हुए फिर वो बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, अभी समाज में कुछ लोगों में असमानता है, कुछ लोग जो है मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, और इसलिए उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए जाने चाहिए, है ना। तो विशेष प्रावधान कर देते हैं, और विशेष प्रावधान क्या आरक्षण का प्रावधान कर देते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर उन समाज के लिए कर रहे हैं जो समाज जो है पीछे छूट गया है और मुख्य धारा में उसको लेना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मैंने पहले कहा ना कि भारत का जो एकात्मता तत्व है, उस तत्व के साथ लोगों को जोड़ने के लिए भारत में समता होनी आवश्यक है। तो समता के लिए अगर कोई कोई वर्ग आगे है तो पीछे छूटा हुआ वर्ग उसको समाज में लेना पड़ेगा आगे, ये जिम्मेदारी है। तो संविधान के अंदर सारी चीजें डालते हैं। आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करते हैं, संविधान में भी हमने बाद में सरकारों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में बात करी, बाबा साहब अम्बेडकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि कैसे रोजगार लोगों को दिया जाए, इसके बारे में भी सरकार ने चिंता की जानी चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा समग्र व्यक्तित्व था उसके बारे में तो बात करी नहीं गई ना लोगों के द्वारा, उनके उनके केवल एक ही दृष्टि बात करेगी कि वो हिंदू समाज का विरोध कर रहे हैं, हिंदू समाज का विरोध कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर हमको समझने की आवश्यकता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं पर भी हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करा। धर्म और रिलीजन में बड़ा अंतर है। आशुतोष जी बार बार ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा मेरा इस पे बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, आप उस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पर पढ़िए आप, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर मेरा एक आर्टिकल जो है उस पर, जी उसमें मैंने लिखा कि धर्म और रिलीजन में बड़ा अंतर है। धर्म रिलीजन में क्या अंतर है? हम मैंने बताया कि धर्म जो है वो कर्तव्यों के साथ जुड़ा हुआ दायित्व बोध का बोध कराता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी धर्म के बारे में ऐसी ही संकल्पना दी, ऐसी ही बात कही है। रिलीजन क्या है? रिलीजन तो केवल और केवल एक पूजा पद्धति के साथ जुड़ी हुई एक चीज है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने बड़े अच्छे से कहा। उन्होंने कहा कि एक रिलीजन होने के लिए तीन चीजें आवश्यक होती है, वो कहते हैं वन गॉड, वन बुक और वन जो है उसका शुरू करने वाला होना चाहिए, है ना, वो उसका जो वर्शिप मेथड होना चाहिए, उसका एक भगवान होना चाहिए, एक उसका वर्शिप मेथड होना चाहिए, और एक उसका एक किताब होना चाहिए। तो ये जो चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होने के लिए कोई आपको आप किसी भी रिलीजन को तब रिलीजन कह सकते हैं। और इसलिए भारत में हमने रिलीजन को नहीं माना, हमने धर्म की बात करी, इसलिए हमारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए।
संतोष जी, हमारे कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इस देश के अंदर, क्यों नहीं हुआ? आप देखिए कि हिंदू जो हमारी आस्था है, हिंदू धर्म, अगर हम हिंदू धर्म है, धर्म के अंदर हम क्या कहते हैं, धर्म हमारा कर्तव्य बोध करा, उस धर्म के अंदर तो आप देखेंगे कि कई सारे प्रकार के पंथ बन गए, लेकिन कभी कोई संगठन संघर्ष नहीं हुआ, कभी कोई संघर्ष नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई आपस में, सब आपस में साथ चलते हैं। क्यों क्यों चलते हैं? क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एकम सत्य विपरा बहुधा वदन्ति, एकम सत्य, हम सत्य को एक अल्टीमेट ट्रूथ एक है, हम उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि वही एक है, आप कुछ भी करिए, माने ना माने, भगवान को करे ना करे कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने दायित्व का निर्वहन करें, वही तो धर्म है। इसीलिए जब मृत्यु छाया शैया पर भीष्म लेटे होते हैं तो युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं, तो युधिष्ठिर को भीष्म ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान में देते हुए कहते हैं कि न राजा न राज्यो न दंडो न दंडिको, वो तो क्या कहते हैं, क्या था वो, तो कहते हैं धर्म, वो तो कहते हैं समाज में धर्म था और उस धर्म के कारण से राजा ना ही ना भी था तो कोई दिक्कत नहीं थी, दंड देने वाला नहीं था तब भी कोई दिक्कत नहीं, दंड पाने नहीं था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और सब लोग समान रूप से रह करके आचार करते थे, व्यवहार करते थे, इकट्ठे रहते थे, क्योंकि उनको अनुशासन में कौन रखता था, धर्म रखता था, धर्म उनको अनुशासन में रखता था, है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू रिलीजन का विरोध किया, हिंदू रिलीजन यानी कर्मकांडीय हिंदू, कर्मकांडीय हिंदू का उन्होंने विरोध किया, हिंदू धर्म का विरोध नहीं करा, और उन्होंने हिंदू समाज व्यवस्था के बारे में बार 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 बात करी, इसीलिए उन्होंने उसको जो है वो ग्रेडिड इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तमाम चीजें जो देते हैं ना ग्रेडिड इनइक्वालिटी में क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं ना कि समाज जो है, हिंदू समाज जो है वो बहुमंजिला इमारत है, और इस इमारत में जिस मंजिले पर जिसका जन्म हो जाए वो उसी मंजिले पर मर जाता है, वो उससे नीचे नहीं आ सकता, उससे ऊपर नहीं जा सकता, है ना। वो हिंदू के बारे में बात करते हैं, हिंदू समाज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं करते, जिस धर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस धर्म के बारे में हमारा उपनिषद बात कर रहा है, इस धर्म के बारे में पूरे का पूरा ये मानस जो देश है वो बात करता है, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो उसका जो कर्मकांडीय रूप है। इसीलिए आप देखेंगे अंबेडकर ने कर्मकांडीय हिंदू और सनातनी हिंदू दो प्रकार का भेद किया है, ये भी मेरा एक आर्टिकल है, आप उसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि एक कर्मकांड हिंदू होता है, एक सनातनी हिंदू होता है, सनातनी हिंदू यानी कि मैं और आप जो तमाम व्यवस्थाओं को, जो ये तमाम तरह की कुरीतियां इनको नहीं मानते, इनकी बात नहीं करते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर का अध्ययन समग्रता में करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। बाबा साहब अंबेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में, बाबा साहब अंबेडकर एक किसान नेता के रूप में, बाबा साहब अंबेडकर एक मजदूर के रूप में, मजदूर नेता के रूप में, बाबा साहब अंबेडकर एक स्त्री के नेता के रूप में, बाबा साहब अंबेडकर उस कमेरे वंचित समाज के नेता के रूप में, और बाबा साहब अंबेडकर उस देश के नेता के। आप देखिए कि जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बात करते हैं, के बारे में अंबेडकर के बारे में दृष्टि नहीं देखी, जैसे संस्कृत के बारे में आशुतोष जी ने आज दृष्टि दी, बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं होगा इनके बारे में, वही आज देखिए बाबा साहब अंबेडकर तिब्बत के बारे में, तिब्बत के इशू को आज अमेरिका में बात कर रहा है, बाबा साहब अंबेडकर का 51 का आप देखें वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि तिब्बत जो है 50 में तिब्बत को कब्जा कर लिया चाइना ने, 51-52 के अंदर अंबेडकर कहते हैं, वो कहते हैं कि तिब्बत का महत्व तो बहुत ज्यादा है भारत के लिए, इसलिए भारत की सरकार में तिब्बत ध्यान दिया जाना चाहिए, वो कहते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ तिब्बत के अंदर वो लिखते हैं कि भारत की सीमाएं तिब्बत के साथ लगती है और तिब्बत हमारा सांस्कृतिक रूप से एक है, वो सांस्कृतिक रूप से हमारा भाई है, बंधु है, वहां का बुद्धिज्म भारत का बुद्धिज्म ही तो है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है, वो हमारा ज्यादा करीबी हो सकता है, ज्यादा करीबी भाई बंधु, तो ये जो चीजें हैं ये हम लोगों ने समझनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब के बारे में आज मैंने जो बातें आपसे करी, अगर आप देखिए इंटरनल कमीशन के अंदर क्या बातें, पूरी की पूरी अर्थनीति के बारे में बात करते हैं और तमाम सारी चीजें जो है बाबा साहब के बारे में हम देख सकते हैं, कई पक्षों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में बात हो रही, तो बाबा साहब की दृष्टि क्या थी, बाबा साहब पाकिस्तान के विभाजन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि
किसी रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, यदि किसी रिलीजन आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे ऐसे स्थिति में भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इसलिए भेज देना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा भारत के अंदर, और आज देखो स्थितियां बन रही है इस देश के अंदर। बाबा साहब का विजन कितना 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 बड़ा विजन था, उस समय वो कह रहे थे कि रिलीजन के बेसिस पे कोई राष्ट्र नहीं बनता, अगर रिलीजन के बेसिस, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे अगर आपने किसी राष्ट्र का निर्माण किया है तो इस देश के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और फिर बाबा साहब 49, 48 में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो वहां हिंदू समाज के लोग रह गए हैं वो मैक्सिमम दलित समाज के लोग हैं, और उन सबने भारत में आना चाहिए, और भारत की सरकार ने उनका वेलकम करना चाहिए, उनके लिए सुविधा करनी चाहिए, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आज भारत की सरकार ने CA का एक्ट लेकर के आया, NRC के एक्ट लेकर आया, उसमें क्या किया, वहां के जो हिंदू आबादी के लोग थे, पाकिस्तान के हिंदू आबादी के जो लोग थे, वो भारत में अगर आ गए हैं, भारत में आना चाहते हैं, तो उनको स्वागत है, उनको नागरिकता मिलेगी, इस तरह की बात बाबा साहब अम्बेडकर 48 में कह रहे थे, 46 कह रहे थे। आप सोचिए उनकी स्पीचेस देखिए, उसमें उनके वक्तव्य है, उनमें बात आप देखिए, इवन वही नहीं अबुल कलाम कह रहे थे इस बात, कह रहे थे कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के हिस्से वाले जो बने हैं पाकिस्तान के लोग, वह तो कम से कम उनमें इंसानियत है, लेकिन ये तो जाहिल है, पंजाब पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जाहिल लोग हैं ये, और ये वहां के हिंदू आबादी को नहीं रहने देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही बात कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं तो आ जाए। आप देखिए कि कश्मीर के ऊपर, जब कश्मीर के अंदर 370 की बात वहां के फारूक अब्दुल्ला और ये नेहरू कर रहे थे, तो अम्बेडकर कहते हैं कि मैं 370 को नहीं लाऊंगा, उनका हिस्सा नहीं बनाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी कलम से नहीं लिखते हैं, आप सोचिए कि वो देखिए वो कितने बड़े राष्ट्रीय, कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे, उनको मालूम यदि इनको विशेष प्रावधान हमने दे दिए तो भारत के अंदर बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, और भारत यानी कि अगर विदेश नीति के बारे में या विदेश की जो राजनयिक उनकी स्ट्रैटेजी बनाने के रूप में अम्बेडकर देखे तो कितना गजब का स्ट्रैटेजी थे, वो कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, वो कश्मीर को किसी प्रकार की रियायत देने के पक्ष में नहीं थे, और इसके कारण से उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो दिया उन्होंने कैबिनेट से, वो दो मुद्दे दिया, एक था महिलाओं का मुद्दा और एक था कश्मीर का मुद्दा, उन दोनों मुद्दे लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है, आप कैसे ही विशेष अधिकार दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बार बार इंतजार कर रहा है, वो काबिलाई आक्रमण कर रहा है आपके ऊपर, और फिर भी आप ये इसलिए आप अधिकार देना चाह रहे हो, 370 उनको देना चाह रहे, 35 ये देना चाह रहे हो, तो ये ठीक नहीं है, भारत के लिए अच्छा नहीं है। यही कारण है कि आज तक देखिए कितने हजारों लोग हमारे, कितने सैनिक शहीद हो गए, कितने नागरिक शहीद हो गए, कोई 1000 करोड़ का बजट अलग से कश्मीर के लिए रखना पड़ता है, आज सर जाकर के उन चीजों को समाप्त कर दिया है, आप 370 को हटा दिया, 35A को हटा दिया, तो ये तमाम सारी चीजें बाबा साहब अंबेडकर की दूरदृष्टि थी, बाबा साहब अंबेडकर का विजन था, जिस विजन के ऊपर कहीं ना कहीं आज की सरकार कुछ 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 कदम बढ़ा रही है, कुछ कुछ कदम बढ़ा रही है, और बढ़ाना भी चाहिए, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर विकास तो काम नहीं हो सकता है ना। जैसा पंडित जी ने कहा ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि भारत ने भारत के ही प्रतिमान को लेना पड़ेगा, भारत को भारत के प्रतिमान को लेना पड़ेगा, प्रतिमान कौन सा मॉडल, यानी विकास का जो मॉडल होगा भारत का ही चलेगा, भारत के ही चिंतक का चलेगा, वही देश चिंतक चलेगा, वही टुंडरिया साहब ने, बद्रीशाह टुंडरिया तो 23 में किताब लिख रहे हैं, उसके अंदर दे रहे हैं, आप सबने पढ़नी चाहिए देशिक शास्त्र, उसमें उस पूरे विजन को दिया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझनी चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर को एक सिर्फ समाज का नेता नहीं मान करके राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भाई मुझे आपने मौका दिया और 1 घंटा के करीब मैं बोल गया हूँ, है ना, अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है। संजीव जी को और आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशुतोष जी को विशेषकर धन्यवाद कि मेरा मेरी एक जो ज्ञान की जो चीज है उसको और आगे उन्होंने बढ़ाया,
अब मैं बाबा साहब अंबेडकर संस्कृत की दृष्टि क्या है उस पर अपने ज्ञान का संवर्धन करने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एनलाइटनिंग टॉक सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और वस्तुतः आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी है कि संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में भी हम इन जो महान व्यक्तित्व हैं इनको कभी देखने की समझने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये लोग इतनी व्यापक दृष्टि वाले लोग हैं, इतनी गहरी सोच वाले लोग हैं, मतलब ये कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ये अपने ही देश की संस्कृति के विरोध में जाएंगे। दोषों को ठीक करना और गुणों को स्थापित करना, यही तो इनका काम था, यही तो संस्कार कर रहे थे, लेकिन अपने अपने स्वार्थवश, अपनी अपनी सीमित सोच के कारण हम लोगों के साथ हिंसा कर जाते हैं। मैं मुझे लगता है कि ये शब्द बिल्कुल उपयुक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज ने, और जो एक खास आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, वो ऐसे विशाल व्यक्तित्वों के साथ हिंसा कर जाते हैं। बात वो रैशनैलिटी की करते हैं, लेकिन वो बड़ी हिंसा करते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद आपको ज्ञापित करना चाहूँगा, लेकिन उससे पूर्व मैं चाहूँगा कि यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि अभी लिंक आपको मैं डाल दूंगा जिस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्टिफिकेट के लिए भर सकते हैं, और वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा आपकी ईमेल पे। तो एक चीज़ दिखा करके प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं कर पा रहा था, तो देखने की दृष्टि की बात मैं कर रहा था। आप ये देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर को जब हम परंपरा की दृष्टि से देखते हैं, मैं सोशल साइंसेस के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि सोशल साइंसेस की अपनी एक सीमा है, लेकिन संस्कृति की व्यापकता को भी आप कभी देखिए कि वो तीन दृष्टियों से डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्तित्व को देखते हैं। पहली दृष्टि है पार्थिव दृष्टि, मैं इसी के शब्दों का प्रयोग अवॉइड कर रहा हूँ, अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मिसलीड कर जाते हैं। पार्थिव दृष्टि का मतलब है कि जो वो हमारे रोजमर्रा के जीवन पर उन्होंने प्रभाव छोड़ा है, तो संस्कृत एक उस दृष्टि से हमेशा देखती है। वो कोई भी व्यक्तित्व हो, वो बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, ए बी सी डी, कोई भी व्यक्तित्व हो, तो एक होती है पार्थिव दृष्टि देखने की, क्योंकि आपकी बुद्धि व्यापक नहीं होती कि एक साथ ही सारा व्यक्तित्व समझ लें। तो उस दृष्टि से जब आप देखते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता के ऊपर उनका बड़ा काम, शाश्वत दृष्टि दूसरी देखें, संस्कृत का जो पक्ष है जब वो कहती है कि आप कैसे देखें किसी व्यक्तित्व को, तो दूसरा पक्ष देती है शाश्वत दृष्टि। शाश्वत दृष्टि का मतलब है कि कैसे आप विचारों को समाहित करते हुए, अपने साथ समेटते हुए चले आ रहे हैं और कहीं रुक नहीं गए। आपको लगता है कि बाबा अम्बेडकर कहीं रुके होंगे? वो निरंतर ज्ञान में अग्रसर हो रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि एक जगह तो वो खुद कहते हैं सभी को कि भाई संस्कृत पढ़ लो, सभी को संस्कृत पढ़नी चाहिए, और एक बार संस्कृत पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, पता लग जाता है। और तीसरा जो पक्ष है किसी के व्यक्तित्व को समझने के लिए, वो है चिन्मय दृष्टि की, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। चिन्मय दृष्टि का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने कौन कौन से मूल्यों को स्थापित किया। जब आप इन तीन पक्षों से देखने लगते हैं तो आपको लगता है कि आपकी संस्कृति और संविधान का तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा, नहीं तो संविधान और संस्कृति में एक संघर्ष बना रहेगा। हमें इस संघर्ष की भाषा से बाहर निकल करके एक समन्वय की भाषा को विकसित करना है। तो इसलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रश्न आप लोगों के आमंत्रित कर रहा हूँ, यदि किसी के कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। बीच में जैसे कि एक प्रश्न डॉक्टर डॉक्टर आर के गुप्ता जी का था, प्रश्न अम्बेडकर्स व्यू ऑन रिलीजन प्लीज एक्सप्लेन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रवेश जी, ये हमारे पास प्रश्न है, रिलीजन का मैंने सुन लिया, कल तो दिया ही है आपने, व्याख्या करी भी थी। मैंने मैंने बता दिए व्याख्या से। जी, और एक जगह पर डॉक्टर आर के गुप्ता जी का एक सूचना थी, नो एक, हाँ जी, ये जिसको हम बहुत टेक्निकल इशू कहते हैं,
बर्निंग इशू के नाम से हम कह करके उसको और बर्निंग करने की कोशिश करते हैं. सर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इन इंडिया? शुड इट बी कंटिन्यूड इन आवर कंट्री इवन आफ्टर 73 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? सर देखिए, आरक्षण की बात है, अंबेडकर जी ने आरक्षण नहीं प्रतिनिधित्व की बात है. प्रतिनिधित्व यानी कि समाज में सारे लोगों का प्रतिनिधित्व होना. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी यानी कि हर एक सिस्टम में लोकतंत्र होना. तो लोकतंत्र का अगर बात करते हैं तो फिर समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना. इसलिए हमने क्या करा, हमने एंग्लो इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया संसद के अंदर. आप देखिए उनकी आबादी कितनी है, बहुत कम, लेकिन उनको भी हमने प्रेजेंटेशन दिया. क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिया क्योंकि ये व्यवस्था हमको लानी पड़ेगी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं. तो बाबा साहब अम्बेडकर ने का आरक्षण का मतलब था कि प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व उस समाज का जिस समाज को प्रतिनिधित्व वर्षों नहीं दिया गया, ठीक है ना. वैदिक पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए तो वैदिक पीरियड के बाद इस प्रकार से समाज के अंदर असमानता व्याप्त रही. उस असमानता के कारण से समाज में तमाम तरह के भेद पैदा हुए, और उन भेद के कारण से समाज में एक बड़ा वर्ग वो बहुत नीचे 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 और नीचे चला गया. अब उसको अगर ऊपर लेके आना है तो ऊपर लाने के लिए उसको कुछ विशेष, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा, और विशेष प्रावधान का नाम ही तो आरक्षण है, ठीक है ना. और वो आज हमने, आज आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से जो गरीब है वो उनके पेशे अगर अच्छे पेशे अगर उनके बुरे नहीं भी हैं तब भी उनको आरक्षण दिया गया है ना, उनके लिए भी प्रावधान किया गया. तो इसलिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो बेसिकली समाज में समता स्थापित करने के लिए समय समय पर किया जाता है. दुनिया के देशों में किया हुआ, वहां जब ब्लैक्स को अमेरिका में ब्लैक्स के लिए किया गया 50% रिजर्वेशन दिया गया, यहाँ तो आप सोचिए कि आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान दिया ही नहीं गया. वहां तो 50% करीब आरक्षण दे दिया गया, और इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आप कोई फिल्म बना रहे हो तो उसमें भी आपको काले लोगों को रखना पड़ेगा, यदि आप कोई शॉप खोल रहे हो तो उसमें भी काले लोगों को रखना पड़ेगा. भारत में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि स्पष्ट थी कि आपने प्रतिनिधित्व देना है, और प्रतिनिधित्व के आधार पर आपको उस सारे वर्ग को के विचारों को आपने डेमोक्रेटिक डिस्कशन में शामिल करना. आप समझ रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन क्यों, डेमोक्रेटिक डिस्कशन में शामिल करने के लिए ये होना. इसलिए आरक्षण की व्यवस्था समाज में करी, और ये बना भी रहेगा, अभी इसलिए भी बना रहेगा क्योंकि इसके बारे में भी अंबेडकर ने कहा कि वो समाज ही तय करेगा इसके बारे में कि कब समाप्त होना चाहिए. अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अभी सरसंघचालक हैं, पूज्य भागवत जी ने क्या कहा, भागवत जी ने कहा कि आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व है. एक तो मेरे ही कार्यक्रम में, वो मैं संयोजक था उस कार्यक्रम में उनका वक्तव्य था, उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो है आरक्षण तब तक 100 सालों तक बना रहना चाहिए, और 100 साल के बाद भी वही वर्ग तय करेगा जो इस आरक्षण का लाभ ले रहा है कि ये खत्म होना चाहिए नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है ना. वो वही वर्ग उसको तय करेगा, क्योंकि उस वर्ग ने ही पीड़ा सहन करी, उस वर्ग ने ही सारी समस्याएं पैदा करी. आज भी गाँवों के अंदर क्या वो समानता स्थापित हो गई है? नहीं हो पाई. आज भी पीटा जाता है, मारा जाता है, घोड़े पे चढ़ने दिया जाता है, इस प्रकार की तमाम स्थितियां समाज में आज भी व्याप्त हैं. तो आज अगर व्याप्त है तो फिर व्यवस्था भी व्याप्त रहेगी ना, वो समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना. इसलिए आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो समाज में बना बना रहेगा. इसलिए बना रहेगा कि जब तक समाज में ये असमानता बनी रहेगी तब तक ये सारी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी. जी धन्यवाद डॉक्टर साहब. एक और प्रश्न अभी आया है, जिज्ञासा है. डॉक्टर अंबेडकर हिंदू विरोधी क्यों लगते हैं? वंचितों को हक दिलाते दिलाते कहीं प्रतिभाशाली उच्च वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पाए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है. आप क्या कहते हैं? मुझे डॉक्टर अंबेडकर कभी हिंदू विरोधी नहीं है, एक चीज आप समझ. एग्जैक्टली, हिंदू बाबा साहब अंबेडकर हिंदू विरोधी नहीं है, और बाबा साहब अंबेडकर कोई ब्राह्मण विरोधी भी नहीं है. बाबा साहब अंबेडकर के सबसे ज्यादा जो क्लोज मित्र थे वो सारे ब्राह्मण थे. जब महाड़ सत्याग्रह हुआ तो वहां का जो डीसी था, वहां का जो कलेक्टर था, वो भी ब्राह्मण था,
वो उनका मित्र था और वो उनके साथ खड़ा था। केलुस्कर भी ब्राह्मण थे, अंबेडकर भी ब्राह्मण थे, अंबेडकर की पत्नी भी ब्राह्मण थी, और अंबेडकर को सबसे ज्यादा पैसा देने वाले, फाइनेंस करने वाले ब्राह्मण। जी ब्राह्मण का अर्थ अंबेडकर ने क्या बताया आप इसको समझिए। अंबेडकर ने वही जो हमारी मौलिक दृष्टि थी भारत की, उसी दृष्टि को अडॉप्ट किया। ब्राह्मण ज्ञान से होता है, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कोई वर्ण से ब्राह्मण नहीं होता। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, जैसा कि महाभारत में युधिष्ठिर यक्ष का संवाद कहता है, जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है ना, तो वो चीजें ही अंबेडकर कह रहे थे। इसलिए कह रहे थे कि जो व्यक्ति विचार में श्रेष्ठता और निकृष्टता को आत्मसात करता है वही ब्राह्मणवादी है। इसलिए वो ब्राह्मणवादी शब्द का प्रयोग करते हैं, ब्राह्मणवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्राह्मण यानी क्या? ब्राह्मण यानी जो ज्ञान की परंपरा को मानता है, जो ज्ञान देता है। अब आज के समय में तो ज्ञान कौन देता है? मैं अक्सर कई बार कहता हूँ आशुतोष जी कि मनुस्मृति को मानते हैं लोग, तो कहते हैं आज ही मानते हैं हम तो मनुस्मृति को। मैंने कहा मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण के पास धन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, ब्राह्मण के ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण है तो वो जितना उसको भिक्षा में मिल जाए उतना वो ग्रहण करके खा ले और उसी में अपना जीवन यापन कर ले। उसकी कुटिया जो है वो कुटिया होनी चाहिए, ठीक है। अब आज के समय में यदि कोई ब्राह्मण कहता हो कि मैं ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण हूँ, ज्ञान से नहीं, तो क्या उसके पास कुटिया है? क्या वो भिक्षा कर रहा है, भिक्षाटन से अपना जीवन यापन कर रहा है? क्या वो केवल ज्ञान का काम कर रहा है? क्या वो व्यापार नहीं कर रहा? क्या वो है ना, तो अगर वो व्यापार कर रहा है, यदि वो राजनीति कर रहा है, यदि वो तमाम सारी चीजें कर रहा है, तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो प्रोफेशन वाइज प्रोफेशन में जा रहा है। अगर वो व्यापार कर रहा तो व्यापारी हो गया, अगर वो सरकारी सेवा में कर रहा काम कर रहा है तो वो शूद्र हो गया। जितने भी सरकारी सेवा में कार्यरत लोग हैं वो सारे शूद्र है, क्योंकि सेवा का कार्य कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें समझनी पड़ेंगी। यही तो अम्बेडकर कह रहे थे, यही तो उनकी दृष्टि थी। और हिंदुत्व जो है ना, आप उसको समझिए। हिंदुत्व का एकमात्र श्लोक आप, मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वे भवति सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मा कश्यन्ति दुख भाग भवे। ये मूल मंत्र है हिंदुत्व का, यही हिंदू है, यही अम्बेडकर कह रहे हैं, उससे अलग कुछ नहीं कह रहे वो। इसलिए हिंदू विरोधी अंबेडकर नहीं हो सकते। और मैंने कहा ना, हिंदू धर्म का भी उन्होंने बात नहीं करी, हिंदू समाज व्यवस्था, बार बार उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल करें। और क्योंकि अंग्रेजी में जब लिखा उन्होंने तो रिलीजन शब्द का प्रयोग कर लिया। अब वो रिलीजन भारत का रिलीजन नहीं है, वो नहीं है। जैसे हमारे हमारा जो राष्ट्र है ना, वो नेशन नहीं है। हमारा राष्ट्र नेशन नहीं है, हमारा स्टेट राज्य, हमारा राज्य स्टेट नहीं है। हमारी जो उनकी जाति है वो हमारी ज्ञाति है। हमारे शब्द अलग अलग हैं। वो आशुतोष जी भी बता रहे हैं ना कि हमारा अनुवाद ही गलत है, हमने उनको प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसीलिए सारा डिबेट शुरू कर दिया और इसमें सक्सेस हो गया। वो लॉर्ड मैकॉले इसमें सक्सेस हो गया। आज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सारे, वो कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है। जी आगे बताइए डॉक्टर साहब। मैं बताऊं, बल्कि एक आपकी बात के साथ जोड़ना चाहता हूं और प्रश्न के साथ भी जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, भारत की जो संस्कृति रही है वो प्रश्न की संस्कृति रही है। हाँ? वो स्वीकार करने की नहीं रही कि भी मान लिया तो खत्म हो गए। और यही हमारे साथ हुआ कि हमने कुछ चीजों को मान लिया जबकि जानने की बात थी। आप ये देखिए, महाभारत का एक प्रसंग, एक पंक्ति का मैं बता रहा हूँ आपको, कि युधिष्ठिर एक सर्प के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, जाति का रहस्य पूछते हैं, और नहुष जो है सर्प के रूप में है, तो वो कहता है जाति रत्र महासर्प दुष्परीक्षेति मे मति। अरे, ये जाति वाति के बारे में कहना बड़ा कठिन काम है, ये महाभारतकार कह रहा है। इस संसार में जाति के बारे में कौन किसके संतान उत्पन्न होती है, किसके कैसे संतान उत्पन्न होती है, कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए इस जाति के भ्रम में मत पड़ो, ये महाभारतकार कह रहा है। और हम थोप रहे हैं कास्ट। अब कास्ट शब्द का कास्टा के साथ अर्थ, किंग का आप राजा के साथ अर्थ जोड़ेंगे तो अनर्थ अपने साथ ही करेंगे, अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और इतने बड़े जो व्यक्तित्व होते हैं उनको पूर्वाग्रहों से रहित होकर के पढ़ें। जब आप उनको पूर्वाग्रह ग्रसित होकर पढ़ने लगते हैं कि जी ये तो उन्होंने कहा, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कही,
मतलब मैं मेरा तो सीधा एक प्रश्न होता है, जिस भी जब भी मैंने दलित के ऊपर दो सेमिनार किए या और कम्युनिस्टों के साथ भी, मैंने कहा आप मुझे एक इंसिडेंट डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का बताएं जहां उन्होंने किसी भी व्यक्ति से घृणा पूर्वक बात की, या उनकी किसी किसी बातचीत में उनकी घृणा उभर के आई हो। वो विरोध कर रहे हैं, इवन गांधी का भी विरोध कर रहे हैं, कहीं घृणा दिखाई देती है। वो आप अपने आसपास सोए हुए ब्राह्मणों के प्रति विरोध कर रहे हैं कहीं, लेकिन घृणा दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तित्व को आप समेट करके छोटा से छोटा कर दें, ये हिंसा स्वीकार्य नहीं है। मैंने आप देखिए ना कि अंबेडकर अंबेडकर सावरकर के साथ है। जी सावरकर का जो पूरा मूवमेंट था अंबेडकर, अब डॉक्टर हेडगेवार के बुलावे पे अंबेडकर 2 बारी संघ की शाखा में चले गए। ये जी मैंने अपने आर्टिकल में लिखा, रेफरेंस दिया है। जी जी सर मेरी किताब है, एक किताब है, ये किताब है, इसका अभी सेकंड एडिशन आ गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें मैंने अंबेडकर का पूरा दृष्टि दी है, सामाजिक समरसता करके किताब है ये, और पूरी जो वेदों की, महाभारत की, उपनिषदों की ऋचाओं को इसमें कोटेड, और संघ के जो अखिल भारतीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इसका विमोचन किया है, जी कुंभ में इसका विमोचन हुआ है। जी तो कहने का मतलब क्या है कि आप अंबेडकर को उस तरह से समझ ही नहीं पाए, आपने अपने हिसाब से समझ लिया। और वो कारण क्या था, वो कारण देखिए क्या था, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, जिसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी नहीं करनी चाहिए समाज में, उसी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया उनके साथ, उन्हीं के साथ नहीं, लोहिया के साथ किया, दीनदयाल के साथ किया। और वो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी के कारण से बाबा साहब अंबेडकर को 40 साल के बाद जाकर के, 30 40 साल के बाद जाकर के भारत रत्न मिला। तो जी। आप सोचिए कितना बड़ा व्यक्तित्व था जो आदमी, मतलब आप कल्पना करके देखिए, अंबेडकर की अगर आप पूरे 21 वॉल्यूम पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा अरे क्या आदमी थे, क्या क्या इन्होंने कह दिया, क्या क्या लिख दिया, है जी। ना। अभी नरेंद्र जाधव जी ने कुछ उनके स्पीचेस के ना वो निकाले हैं, तो वो भी आपको वो भी पढ़ने चाहिए, उनमें उनके कई सारे स्पीचेस हैं, उनका कलेक्शन है, बहुत बढ़िया। अच्छा दत्तोपन ठेंगड़ी की किताब एक है, दत्तोपन ठेंगड़ी जी ने अंबेडकर पे किताब लिखी है। अच्छा अंबेडकर के साथ उन्होंने काम किया, सहायक के रूप नाते भी अंबेडकर के साथ दत्तोपन ठेंगड़ी ने काम किया, उनके चुनाव के एजेंट रहे। आप सोचिए जो महाराष्ट्र का प्रांत प्रचारक था वो बाबा साहब अंबेडकर के चुनाव का एजेंट था, और जी उन्होंने उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो किताब भी पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। और उन्होंने उसको, अंबेडकर ने भी जो है वो मतलब देखा है, धनंजय कीर को देखा है। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका, और आप सभी लोग जो प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि एक लिंक मैंने डाल दिया था, प्लीज़ आप सभी लोग उस लिंक को ढंग से भरिएगा, क्योंकि हर बार दिक्कत आती है, कोई ना कोई उसमें गलत अपना ईमेल भर देता है और फिर वो जो है वो उस तक नहीं पहुंचता, और बाद में फिर वो हमें सर्टिफिकेट भेजने में दिक्कत आती है और कंप्यूटर फिर उठाता नहीं है। तो प्लीज़ अपना लिंक क्लिक कीजिए, लिंक क्लिक करके अपना प्रॉपरली उसको फिलअप कीजिए, चेक कर लीजिए अपना नाम और बाकी सारी चीज़ें और उसको फिलअप कर दीजिए। कुछ एक अभी भी टिप्पणियाँ और वो चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो हम समापन की ओर चलेंगे। और भी जो प्रश्न हैं डॉक्टर साहब के साथ आप बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री हेलो संजीव धारी जी को। सर, जी लिंक एक बार डालना सर। लिंक मैम दोबारा डाल, अच्छा मैं डाल देता हूँ लिंक अभी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजीव धारू जी को कि वो अपना धन्यवाद ज्ञापन हमारे प्रतिभागियों के लिए और आवाज आ रही वक्ता के लिए करें, प्रस्तुत करें। श्री संजीव धारू जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी का वैचारिक मार्गदर्शन उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ, और हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन पक्षों को जानने को मिला जो शायद सबके लिए यहाँ बहुत, सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, अधिकतर जो यहाँ पर प्रतिभागी मौजूद हैं उनके लिए नया होगा। विशेष रूप से एक पक्ष जो उन्होंने रखा कि जिस प्रकार से वामपंथी उनका विरोध करते थे और आज वो उन्हीं का फोटो लेकर घूमते हैं, तो ये अपने आप में डांगे का जो उन्होंने रेफरेंस दिया वो बहुत सुंदर था।
और बहुत कई पक्ष जो डॉक्टर चौधरी ने रखे वो हमारे लिए वाकई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। मैं आभार प्रकट करता हूँ सभी संस्थाओं की ओर से जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया, और आग्रह करना चाहूंगा डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी से कि वो हमारे आग्रह पर जब भी हमें लगेगा उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो हमें जरूर एक कृष्ण की भूमिका में नजर आएंगे, ताकि जो हम जैसे अर्जुन हैं, ताकि हम लोग देश विरोधी ताकतों और अधर्मियों का विनाश कर सकें, बस वो ऐसे ही कृष्ण बनके अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें, ताकि हम इस कार्य को जमीनी स्तर पर करते रहें। और मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा सनातन धर्म कॉलेज का, डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी का विशेष विशेष आभार, क्योंकि इनका हमेशा मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और बहुत सारी चीजें सहयोगी के तौर पर मिलजुल कर हम एक साथ कर भी रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर विभिन्न राज्यों से आज जुड़े हैं और जिनके प्रश्न रह गए हैं, जरूर अगले वेबिनार में हम उन प्रश्नों को भी लेंगे। मैं प्रवेश चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो उन्हें फिर समय हमें दें कभी, तो हम एक और इस भाग को हम आगे बढ़ाते हुए इसको दूसरे भाग में लेकर जाएं, जो चीजें छूट गई हैं उनको लिया जा सके, क्योंकि बाबा साहब को समझने के लिए आधा घंटा पौना घंटा बहुत कम है, तो इसको हम और कड़ियों में और श्रृंखलाओं में इसको कार्य को कर सकें। मैं तमाम प्रतिभागियों का यहाँ पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने समय दिया और आपने इस अमूल्य जो वचन थे वो आपने सुने बाबा साहब के बारे में। मैं सभी संस्थाओं की ओर से, जिसमें महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद, सनातन धर्म महाविद्यालय और हमारे बाबा साहब ब्रिगेड, सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी का और आशुतोष जी का विशेष आभार, धन्यवाद। संजीव जी मैं नंबर दे देता हूँ, वो कुछ लोग नंबर मांग रहे हैं मेरा, लिख लीजिए 9968 जी जी 9968815757। सर ये चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं डाल टाइप कर दीजिए। डॉक्टर आशुतोष जी अब आप संभालें। हाँ जी सर, वो अपना आप नंबर जो है इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना नाम और नंबर, ताकि लोग आपको संपर्क कर सकें, और अपनी ईमेल भी डाल दीजिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ सबसे पहले तो संजीव घारू जी का धन्यवाद, वही धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने ऐसे वक्ता के साथ हमारा परिचय करवाया जिन्होंने हमारा ज्ञान संवर्धन किया, दृष्टि को विकसित किया। मैं संजीव घारू जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और प्रवेश जी के प्रति, डॉक्टर प्रवेश कुमार जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना व्यापक दृष्टि से हमारे सामने चीज़ों को रखा, उनकी कई आयाम हमारे सामने डॉक्टर अम्बेडकर के रखे, और आप सब प्रतिभागियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने पूरे धैर्यपूर्वक इन सारी बातों को सुना और अपनी टिप्पणियाँ भी दी हैं, और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का आभार। और अगली सूचनाओं के लिए आप लोगों को हम व्हाट्सएप पर सूचित कर देंगे, निरंतर अभी कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। इन सब शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, फॉर्म प्लीज़ भर दीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर एक बार क्लोज डाउन हो जाए फिर कठिन हो जाता है, तो इसलिए आप लोग अपना फॉर्म भर करके आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। एवरी वन ऑफ यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, थैंक यू सो मच।